राजा रविचंद्र वर्मा एक शरीफ और नेक दिल इंसान थे। कारोबार लोगों को रोजगार देने के लिए करते थे। राजा साहब अपनी तीनों बहनों को बहुत मानते थे। उन बहनों के खुशकिस्मत शौहर ये तीनों हैं। राजा साहब को मोहब्बत थी अपनी तीनों बहनों से और इनकी नजर थी राजा साहब की दौलत पर। और ये हैं राजा साहब के साले साहब। भुलक्कड़ हैं लेकिन नेक दिल हैं। राजा साहब की मौत के बाद अब सबकी नजर है उनके वारिस पर। भगत सेठ मक्कार और कमीना इंसान, पहले सुपारी लिया करता था, अब कारोबार करता है। नीलामी शुरू करें। किंग कंस्ट्रक्शन से अभी तक कोई नहीं आया जनाब। राजा तो मर गया है, अब उसकी कंपनी में बचा ही कौन है? राजा के बड़े साहबजादे हैं। ये पिद्दी कारोबार में हमसे क्या मुकाबला करेगा? जी जनाब। बोली शुरू करो। सरकारी बोली है 10 लाख। 10 लाख 10,000। 50 लाख। 2,01,00,000। 1 मिनट किंग, कारोबार में कदम रखते ही तुम हार गए बेटा। माफ करना, अभी तुम बच्चे हो। ये बाजी हमने जीती है, समझे नहीं क्या? जिस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए भी नहीं है, उसकी कीमत हमने बढ़ाकर पूरे 2 करोड़ करवा दी है। मजदूरों का 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। किंग हमेशा हाकिम नहीं होता है, रहबर भी होता है। जमीन मुबारक हो। जीजा 1 2 3 4 इसी में से कोई एक होगा। ये क्या भाभी जान, जीते तो छोटे, तो बड़े को मुबारकबाद क्यों? छोटे को जिताने के लिए खुद हार गया। ओ। जीतने वाला नहीं, जिताने वाला सच्चा किंग होता है। पता नहीं है, किंग ने इन पर भरोसा करके चाबियां दी और इन्होंने हमें ही चूना लगा दिया। पर ऐसा क्यों किया इन्होंने? साले साहब की सालगिरह के मौके पर हमने मजदूरों का बोनस तिजोरी में रखा था। इसका कहना है कि सूट केस गायब हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मालिक, मालिक हमने पैसे नहीं चुराए, सच कह रहे हैं। आप भी कभी चले जाइए। छोटे मालिक, आप भी हम पर यकीन नहीं करते। कहां ना आप जा सकते हैं? तुमसे जाने के लिए कहा ना? चल चल निकल यहां से, दफा हो जाओ। सूटकेस तुमने कमरे में क्यों छुपाए? जाओ जाकर ले आओ उसे। अभी लाता हूं। केशव जी बेकसूर है, हमें ये पता था। आप लोगों पे नजर हमारी पहले से थी। सोचा था कि साले साहब की मौत के बाद सब कुछ हमारे कब्जे में होगा, लेकिन ये पिद्दा हमारे रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है। अगर रोड़ा रास्ते में आ जाए तो क्या करना रास्ता चाहिए? रास्ता बदल देना चाहिए। वो तो आप करते होंगे। तो आप क्या करेंगे? रोड़ा को ही हटा देते हैं। भाई, माँ, पैदाइश के बाद से ही मेरे बड़े बेटे के साथ 2-3 सालों में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। हमने उसकी कुंडली देखने के लिए ही आपको बुलाया है पंडित जी। इस कुंडली वाले की किस्मत में बादशाहत के साथ साथ कुछ खतरा भी है बेटी। सन 2012 में इनकी जान को खतरा है, बहुत ही बड़ा खतरा। अगर वो हादसा टल जाए तो इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इनकी उम्र बहुत ही लंबी होगी। उन खतरनाक हादसों से बचने के लिए कोई तो उपाय होगा ना पंडित जी? हम तो अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे बेटी, बाकी सब भगवान के हाथ में है। ये सब कैसे हुआ? इस बार कॉन्ट्रैक्ट पक्का हमें ही मिलेगा भाई। लेकिन किंग बहुत मजबूत है। क्या कर लेगा किंग, हमने सबको खरीद लिया है। मूर्ति का फोन। हाँ बोल मूर्ति। सॉरी सर, एक बुरी खबर है, किंग हमारे हाथों से बच गया। क्या हुआ भाई? फिर से किंग जीत गया, फिर से वो जीत गया। मैं उस किंग को बख्शूंगा नहीं। मैं उस किंग की सुपारी दूंगा, अब वो नहीं बचेगा। आई विल किल यू किंग, आई विल किल। मर गया।
तुम्हारे होते हुए भी जब मेरा बेटा मर गया तो तुम क्यों जिंदा हो? बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत, तो सिर्फ किंग ही क्यों, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। हेलो 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 भाईजान, अगर आप हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे ना तो ही हम लंदन की फ्लाइट पकड़ेंगे, वरना आप तो हमारी फितरत से वाकिफ हैं। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचे। लोग मुझे चिट्टू कहते हैं, काला चिट्टू। ये है मेरा कारोबार, और असली कारोबार है सुपारी लेकर काम तमाम करना। आज मुझे तुम्हारी सुपारी मिली है, मतलब तुम्हारा काम तमाम। डर गया क्या? हमारी छोड़े, हमारे खानदान में डर के लिए जड़ ही नहीं है। पता है क्यों? हर कोई ना दिखने वाले भगवान पर यकीन करता है, लेकिन हम दिखने वाले भगवान पर यकीन करते हैं। दिखने वाले भगवान मतलब गैंग। चलो देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। बूम दोस्त, किंग, आज तक तुम्हारा सिर्फ नाम ही सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। इतना समझ ले कि मैं वो आग हूँ जो उजाला कर सकता और जला कर राख भी कर सकता है। मेरे अड्डे पे आके मुझे ही धमका रहे हो? कुछ अंदाजा भी है इस हिमाकत का क्या अंजाम होगा? तुम्हारे इस सामने तुम्हारे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जो भी छुएगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। आसमाली, चलो उठ जा, ये ले छुई से छू कर दिखा। बता इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है और तुम जैसे लोगों को कुचलना भी। हम सिर्फ यहाँ ये कहने आए हैं कि दम है तो हमसे टकराएं, यहाँ पर हमसे टकराएं, हमारे खानदान से नहीं। अगर अगली बार खानदान पे नजर उठाई तो दुनिया से उठ जाओगे, छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्यों परेशान हो रही हो? अजय लंदन गया है, जल्द वापस आ जाएगा। नहीं बेटा, तुम उत्तरांचल जा रहे हो ना, इसलिए परेशान है। हाँ बेटा, तुम्हें याद नहीं है पंडित जी ने कहा था ये साल तुम पर भारी है, तो इस साल सफर मत करो बेटा। माँ, हमारा जाना जरूरी है,
फैक्ट्री में कुछ मुश्किलें हैं जिसे हमें सुलझाना होगा। दो दिन में वापस लौट आएंगे, समझा करें। राजा बाबू, भाईजान के गुजरने के बाद तुम ही सहारा हो। जब तक आप सबकी दुआ है हमें कुछ नहीं होने वाला है। अरे सुना है, तुम शहर से बाहर जा रहे हो, गोपी मोहन बता रहे थे। बात दरअसल ये है कि कल से तुम्हारी फूफी जान गहने 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 चिल्ला रही है, सोने के दाम भी गिर गए हैं। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो पाकिस्तान या श्रीलंका पे सट्टा लगा दोगे। हमने सट्टेबाजी छोड़ दी है, क्यों जी तुम ही बताओ। हमें आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। साड़ू भाई, आपको पता है ना कि इन्हें झूठ से नफरत है, ईमानदारी से कहेंगे तो आपको पैसे क्यों नहीं देंगे। क्यों बेटा, बहुत हुआ, हम तीनों को अच्छी तरह से जानते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए अपना काम करिए। ये तो साफ इनकार कर रहे हैं, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो आओ। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए क्या फूफी? अगर हमें गहने चाहिए होते तो तुमसे कहती, उनसे भला क्यों कहती, वो बहुत बड़े झूठे हैं। अच्छा जवाब दिया है। अरे भांजे भांजे, कुछ भूले तो नहीं ना? भूल तो आप रहे हैं। अरे मैं क्या भूलूंगा, पैंट पहनना। माफ करना, तुम्हारे शहर जाने की खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा। खैर, तुम्हारी मम्मी से कुछ कहना है भांजे? क्या कहना है, कुछ खास जो कहना चाहते हो? हाँ ठीक है मामू जान, फिक्र मत कीजिए। ओके भांजे, बाय 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 बाय। अपा जान से कहना है कि सही सलामत लौट आएंगे। सही सलामत? क्या हुआ, डांट क्यों रही तुम? नहीं पहनी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन किंग ने कुछ कहने के लिए कहा था। हमें क्या पता कहने के लिए कहा होगा। तुम्हें कैसे पता होगा? क्या कहा था, याद नहीं आ रहा है। इस किंग ने तो हमारे लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा कि हम कहीं हाथ मार सके। दादू पैसा मांग रहा है, अगर नहीं दिए तो वो हमें चक्की पिसवा देगा। अब क्या करें? इस फोन को भी अभी टंटनाना था, दादू का कॉल है, ये 100 साल तक नहीं मरेगा। वो तो नहीं मरेगा, मगर तुम्हारी बरसी पहले करवा देगा। फिजूल में मत डराओ। अरे शफीक का कॉल है, शफीक ऑस्ट्रेलिया पर 50,000 और लगा दो। दिमाग खराब है क्या, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? दादू भाई। वो क्या है दादू भाई कि हम अभी दिल्ली में, हमने सोचा आने के बाद सीधा आकर बात करते, इसीलिए फोन कट कर दिया। हम दिल्ली के बाद आगरा जाने वाले हैं, वहाँ से आते वक्त आपके लिए पेठा लेकर। गोली यहाँ चली और तुम दिल्ली में उछल पड़े। दादू भाई, आप नजर नहीं आ रहे। लेकिन तुम ना हमारे निशाने पर साफ नजर आ रहे हो। हमें मारकर आपको क्या हासिल होगा दादू भाई? इस बार हमारे पास एक शानदार प्लान है। तुम्हारा प्लान नाकाम हो सकता है, लेकिन हमारा निशाना नहीं। सारू भाई, आगे वैसे आपका क्या प्लान है? बताता हूँ, किंग ने सबको अलविदा कहा, लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। ये चुटकुला हम शादी के दिन से ही सुनते आ रहे हैं। क्या प्लान कामयाब होगा? वो तो होगा ही। तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा? कोई साजिश कर रहे हो क्या तुम? ओफ, ये फोन भी ना। सर, फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है सर। आप इस कंपनी में नहीं है, आप किंग को ठीक से हैंडल कर लेंगी ना? सर डराइए मत ना, हमें अपना काम पता है। हम माफी चाहते हैं सर, हम सपना सर आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए ना सर। हाँ चलो। मामला क्या है? लोकल माफिया जनाब, वो मजदूरों को धमका रहे हैं और काम पर आने के लिए रोक रहे हैं। वो फैक्ट्री पर ताला लगाकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं जनाब, उनकी गुंडागर्दी को देखते हुए फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है जनाब। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। फैक्ट्री बंद करने का मतलब है 3,000 घरों में अंधेरा करना, उससे अच्छा है गुंडागर्दी बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं जनाब। जंग का खौफ बदमाशों को हो सकता है, इस किंग को नहीं। सर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। क्या आपने सर्वे किया है? हाँ सर, सब हो गया है। ठीक है, क्या यही प्लान है? यस सर, यह। हेलो सर, आपका फ्लाइट का वक्त हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? हम कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक।
आपने किसी के लापता होने की शिकायत दर्ज की थी? हाँ सर। शनाख्त करें, क्या वो ये है? जी नहीं। तो ये नहीं जनाब। क्या वो ये है? यही शख्स है क्या? नहीं। ये भी नहीं है। क्या कहा, हमारा बेटा खो गया? जी बिल्कुल मैडम, हमने कई पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन सर की कोई खबर नहीं है। किसी ने सच कहा है, घर के चोर को ऊपर वाला भी नहीं पकड़ सकता। अरे गोपी मोहन, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। किंग ने सबको अलविदा कहा, लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। आपने बिल्कुल सच कहा है। ए गोपी बान, ये सब क्या है? आपके करतूतों का सबूत इंस्पेक्टर? डीसीपी। हाँ डीसीपी इंस्पेक्टर, इन्हें अंदर डालकर जब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कुछ बोल देंगे। जनाब अप्पा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बिल्कुल चलेंगे, हमारे पास भी इसके कारनामे मौजूद है, हम अभी आपको दिखाते हैं। ए, ए, रास्ता दो। अपना मोबाइल लेकर आएंगे क्या? भाग गया। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर वो कब तक बचेगा? ढूंढो उसे, गिरफ्तार करो। गोपी मोहन, तुम्हारा शैतानी दिमाग तो बहुत तेज है। किंग को मरवाया तुमने और फंसा दिया बेचारे अप्पा जी को। एक तीर से दो शिकार। हाँ भाभी जान, हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, तुम लोग फिक्र मत करो। हे भगवान, हमने सबको उम्मीद दिलाई है, पर हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। मेरे बच्चे को हमारे पास सही सलामत भेज देना भगवान। सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत। हाँ अप्पा जान, किंग ने हमसे कहा था कि वो सही सलामत लौट आएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। हमें पता है वो जरूर लौट कर आएगा। हम सबकी खातिर भगवान उसे जरूर भेजेंगे। सलाम भाई। क्या रे फिर से आ गया? कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आएगा? आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, इन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर आप ये जगह खाली कर देंगे तो इसे बेचकर वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। तू कोई 30 मार कहा है क्या? मैं रघु रोकड़ा का आदमी हूँ। रघु रोकड़ा, रघु चोपड़ा, चाहे कोई भी हो, चल भाग ले जाओ इसको। चल चल।
कहाँ का शाना है तो? ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में आमची मुंबई, नॉर्थ में लद्दाख कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी। जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान, वैसे ही फेमस रघु रोकड़े की। कौन है ये राज रोकड़ा? चार मीनार सुना है? सुना है। ताजमहल देखा है? गेटवे ऑफ इंडिया देखा है? रघु रोकड़ा नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम। देश में जितने भी भाई लोग हैं उनका राशन कार्ड खोल कर देख ले, बाप की जगह रघु रोकड़े का नाम होगा। अच्छा? कोई शक? भाई मैंने भी सब देख लिया। भेजे की डायरी में छाप डाल। अपन जहाँ कदम काट दे वहीं दुश्मन को फाड़ दे। इस जगह को खाली कराने के लिए अपन को सुपारी दी गई है और कोई काम अपन अधूरा नहीं छोड़ता। और भाई लोगों के लाइन में जबान का इच पैसा है। ऐसा क्या? कैसे? ये पापा अपन के बाप का नहीं है। चल बाहर तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। क्या हो रहा है सब? अरे देखिए ना साहब, मार रहा है हमको। जगह खाली कर रहे हो कि नहीं? ए, पुलिस वाले के साथ गुंडा कर दी, यही इनकाउंटर कर दूंगा। भाई माफ कर दो भाई, हम आपके पैर पड़ते हो भाई। चलो रे भाई, माफ कर दो भाई, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। घबराए मत, ये बस एक झलक थी। झलक थी? सांस की कसम आप ग्रेट है भाई। अरे तारी बात नहीं करना, पहले रोकड़ा निकालो। ये लीजिए पूरे दस दस। अरे इतने में तो कुछ भी नहीं होता है भाई, और निकालो। हर काम पैसे के लिए नहीं होता। इनकी बेटी की शादी के लिए मदद कर रहे थे, जाइए। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला होता तो हम यहाँ नहीं जन्नत की सैर कर रहे होते। कमाल की जगह है, हर तरफ डिस्को लाइट्स, मैखाने की बोतलें झूमती है। हमारी शादी की फिक्र छोड़कर मैखाने की सूझ रही है? अरे तो अब तुम ही बताओ, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला? वो क्या है कि हमारा कारोबार देख करके कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं है। कारोबार तो नहीं बदल सकते लेकिन हुलिया तो बदल सकते हैं ना भाई, क्या बोलते हो? खैर छोड़ यार, कभी तो किस्मत चमकेगी। बारिश भी शुरू हो गई। शिवानी बारिश में क्यों भीग रही हो? यहाँ जाओ। ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? अरे ये क्या हो गया? एक लड़की ने हमारे दिल पर बिजली गिरा दी। कौन थी वो लड़की? बस से चली गई। अरे चली गई तो जाने दो, दूसरी आ जाएगी। लेकिन हमारा दिल तो उसी पे आया है। अरे दिल आ गया तो क्या करें, अब उसे कहाँ ढूंढेंगे हम? रघु रोकड़े की धड़कन बड़ी तो लड़की मिली। क्या देख ले सारे, कैसी बनी है? बनी तो अच्छी है लेकिन। लेकिन क्या मतलब? एक नंबर बनी है। चीता या शेर तो नहीं लेकिन कुत्ता जैसा लग रहा है भाई। अबे जब कुत्ता बनाया है तो कुत्ता ही दिखेगा ना। इसे भी खा दो, खुश हो जाएगा। लड़की वाले पूछेंगे तो यही तस्वीर भेजूंगा, तुरंत रिश्ता पक्का हो जाएगा। ए, राका साहब की बहन के साथ चुटकियों में रिश्ता पक्का हो जाएगा। क्या हुआ इसे, भौंक क्यों रहा है? कह रहा है तस्वीर भेजने से पहले कपड़ा पहना देना मुझे। भाई भाई भाई, शहर के सारे कारोबार हमारे हाथ से निकलते जा रहे भाई। वो देख लेंगे, पहले ये बताइए तस्वीर कैसी लगी? कौन सी तस्वीर भाई? अबे अंधा हो गया क्या? कुत्ते की तस्वीर है ये कुत्ता है? आप लोगों को ये कुत्ता नजर आ रहा है? कमीने चापलूस कहीं के, मुंह बना दिया गधे का, धड़ ऊंट जैसा, ना तो ऊंट रहा ना गधा। कुत्ते की फिक्र है, ऊंट की फिक्र है, लेकिन कारोबार की कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो एक नंबर लगा था भाई। हे,
हमारी कलाकारी की बेकदरी की टेंट बतवा देंगे तुम्हारा। हमें माफ कर दे भाई, नादान समझ के माफ कर दे। तुम हमारे बचपन के दोस्त हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। बाप रे, अब क्या कहना चाहते हो? रघु रोकड़ा नाम का कोई बंदा शहर पे हावी होता जा रहा है। अगर वो रोकड़ा चल पड़ा तो हमें रोकड़ा देने वाला कोई नहीं बचेगा। जो ज्ञान भाई से टकराएगा, अपनी कब्र खुदवाएगा, दफन हो जाएगा, कहाँ रहता है वो? कोई बीच में नहीं आएगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे कहाँ है बे रघु रोकड़ा, बाहर निकल। कहाँ मर गया बे, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरी तो। क्यों बे, हैदराबाद में सेटलमेंट कराएगा, वो मेरा इलाका है। क्या हैदराबाद तुझे निजामों ने सालगिरह पर तोहफे में दिया था? ए! अरे रे रे, ज्ञान भाई आप यहाँ? अरे टोबा भाई तुम आइए ना, ये मेरा बेटा है, अंदर बैठकर आराम से बातें करेंगे। देखो इस शहर में वही होता है जो ज्ञान कहता है, धमकी देना, वसूली करना, सब मेरे इशारों पर चलता है। तुमने वसूली कब से शुरू कर दी, इसका क्या मतलब है? मुकाबला पता है। ए, चार छह लुखों को पीट कर तुम खुद को डॉन समझ रहे हो, चुटकी बजाते ही तुम जैसों को गायब करवा सकते हैं। कमिश्नर तक हमें सलाम ठोकता है। भाई भाई भाई, मिट चौकी थाने में हवलदार गोटी और छोटू को कूट रहे हैं। उनसे बताया नहीं कि वो हमारे बंदे हैं? आपका नाम लेते ही उन्हें और भी कूटा गया है भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम क्या कह रहे थे, सभी इसी धंधे में उतरेंगे तो मैं क्या ठेला चलाऊंगा? खैर तुम्हें माफ कर देता हूँ, अगर भाई बनना है तो मेरे लिए काम करो। शेर कुत्ते का पट्टा नहीं पहनता। अरे उसकी जुबान कितनी लंबी है। क्या करे भाई, थोड़ा जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता। अरे इसके जैसे कई टेढ़ों को सीधा किया है हमने। तुम्हारा मुंह देखकर खामोश हूँ। एक काम करो, तुम शहर संभालो और 20% हिस्सा रख लो। सोने की खान, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आया। चलो हम तुम्हारे पास आए, अब क्या? अब ये हिस्सा हम तय करेंगे। क्या मतलब? 20% हम आपको देते हैं। इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो मेरा पूरा कारोबार खींच रहा है। बच्चा है, थोड़ा सा संभाल लीजिए ना इसे। यार क्या बेटा पैदा किया है तुमने, तुम्हारी दोस्ती महंगी पड़ी हमें। चलो मंजूर है, 20% मेरा, लेकिन मार्केट में किसी को पता ना चले। इसलिए अरे मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा, किसे क्या पता हमारे बीच में क्या समझौता हुआ, कुछ बोलो ना। मान जाओ ना बेटा। मंजूर है। अरे कुट्टी वो लेकर आना। लाओ। अरे ले लो भाई, तोहफा है। तोहफा किस लिए? खोलेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। क्या है ये? पेंटिंग। इसे आप पेंटिंग कहते हैं? लगता है किसी ने रंग पीकर उल्टी कर दी हो। ये भी कोई पेंटिंग है? किस बेवकूफ ने ऐसी पेंटिंग बनाई? जुबान संभाल के, भाई ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम चुप रहो। ये वाली भाई ने बनाई थी, तुम्हें क्या पता? खैर टोबा भाई, शहर में हमारा आलीशान बंगला है, आप लोग वही जाकर रहे, ठीक है? और सुनो पंटरो, आज ही शिफ्ट हो जाओ। कैसे हो सकता है, उस कबाड़ खाने में चूहा बिल्ली कुश्ती लड़ते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, टकाटक हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ टोपा भाई, चलता हूँ। रघु भाई अपना ख्याल रखना। नमस्ते भाई। लोग मैंने शायद टोपा भाई को 20% पर दे दिया है। अब पुरानी दोस्ती निकली, हाथ पैर जोड़ने लगा तो हमने भी सोचा छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, 20% देने की क्या जरूरत। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, सारा रिस्क वो उठाएंगे और बैठे बैठे 80% मिल जाएगा। अच्छा हुआ 20% में मान गया। हाँ तुमने मुंह खोला तो हमें भी याद आ गया। क्यों बे, मैं वहाँ कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तुमने आकर बक दिया कि ठुल्ले हमारे आदमियों को कूट रहे हैं, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तेरी तो। भाई मारना मत, आज डॉक्टर हड़ताल। मारेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? इनाम देंगे। तुमने कहा था ना कि हमारा बंगला गंदा है, अब तुम ही जाकर उसकी सफाई करोगे। आज से ज्ञान भाई ने कारोबार की जिम्मेदारी रघु भाई को सौंपी है। सौंपी नहीं है, हासिल की है। भाई ये है रघु मेंटल। सलाम भाई। बचपन से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा है, हाल में अपने इलाके में बार शुरू किया इसने, बस वहीं से मुसीबत ने पीछा पकड़ लिया। सारी औरतों ने जुलूस निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। आप ही बताइए, हफ्ता देते तो कारोबार तो करेंगे ना। मुफ्त की खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा जो अब बार भी खोल लिया। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हो और तुम लोगों की कमाई लुटा कर शराब कमाते हो, नकली शराब बनाकर उनकी जिंदगी का सौदा करते हो। कमीने लुटेरे, बाहर इसका है भाई। नेक्स्ट। ए चुप कर, इसका मसला सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा भाई। अच्छा
इसके ससुर ने इसे 2 लाख देने का वादा किया था भाई। हाँ। 1 लाख तो दे दिया लेकिन दूसरे के लिए ठेंगा दिखा दिया। फिर इसे गुस्सा आया तो इसने अपनी बीवी का सिर जोर से दीवार पे पटका और घर से बाहर निकाल दिया। इतनी सी बात पे इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया, ये भी कोई बात है क्या? हाँ भाई, इस लंगूर को ससुराल से पैसे चाहिए। मुझे नहीं भाई, इसे पैसे के चक्कर में लड़की की जिंदगी से खेलेगा। वो रखेगा या बीवी कहाँ गायब हो गए? सब कहाँ गुल हो गए? तुम्हारे पास इसी तरह के मामले हैं? मांडवली के मामले ऐसे ही होते हैं भाई। मांडवली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। अगली बार ऐसे मामले आए तो तुम सर से पैर तक पट्टियों में लिपट जाओगे। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में है। अरे चुप कर, मास्टर आ रहा है। सारा शहर भाई से डरता है पर भाई मास्टर से डरते हैं। भाई इस बच्चे से डरते हैं। बोल भाई, इसकी बहन से मोहब्बत करते हैं। उसका कहना है कि उसका खानदान भाई की तरह नहीं है बल्कि कलाकार लोग हैं। अगर एक पेंटिंग मेरे भाई को पसंद आ जाए तो मैं अपने घर वालों को शादी के लिए रजामंद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया ना तुमने? जी बिल्कुल किया है मास्टर जी, दिखाते हैं आपको। सारी रात जाकर हमने कितनी मेहनत से ये पेंटिंग बनाई है। सारी रात जागने के बाद तुमने ये नंग धड़ंग पेंटिंग बनाई है? रहम दिल आसमान, इस पेंटिंग का नाम है मास्टर जी। इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है। इसके पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है मास्टर जी। वो सब तो ठीक है लेकिन इसके कान कहाँ पर है? ये बहरा है। हाँ? बहरों के कान नहीं होते हैं क्या? लेकिन पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि कोई बहरा है? हाँ? इसलिए कान नहीं बनाए। मतलब दिमाग नहीं होगा तो सर को गायब कर दोगे तुम? अब आगे की कहानी सुनाओ। भूख लगती है तो जमीन की तरफ देखता है और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ नजर उठाता है। आसमान रहम करके इसे 1-2-3 बूंद पानी देता है। तुम्हारी पेंटिंग का तो सच में जवाब नहीं है। फटाफट अपने हिसाब से तुमने कहानी भी बना ली पर देखने वाले कैसे समझेंगे बोलो? सब तो साफ समझ आ रहा है। क्या खास समझ में आ रहा है? भाई भाई भाई, कौन हो तुम, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बहुत ही खास मसला है मास्टर जी। ये ज्यादा जरूरी है भाई, आपके हिसाब से ये सबकी समझ में आ जाएगा ना? बोलो जी। बिल्कुल मास्टर जी, सूरज की रोशनी की तरह। ए भाई, इस पेंटिंग को देख के बताओ तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है। ध्यान से देखो, इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो जंगल में आया है और जल्दबाजी में लोटा लेना भूल गया और पूछने के लिए झाड़ के पत्ते मांग रहा है। सही बोला ना? बिल्कुल सही। सच में ये आपके बस की बात नहीं है, लगता है आपके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, इसीलिए पेंटिंग से भी बदबू आ रही है। आप ही बताइए मास्टर जी, पेंटिंग बनाते वक्त हमारे हाथ कांपते हैं। शराब पीना बंद कर दो। पेंटिंग को शराब से क्यों जोड़ रहे हैं मास्टर? अगर हाथ नहीं कांपेगा तो पेंटिंग भी अच्छी बनेगी। कोशिश करते रहो, कल आता हूँ मैं। कम वक्त इसी वक्त आना था तुझे। वो क्या पोछने के लिए पत्ते मांग रहा है? भाई भूल से गलती हो गई। अब जो पेंटिंग बनाएंगे बता देना, आगे से मास्टर जी को हम वही बताएंगे। वो क्या तुम जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? हमारी बात तो पूरी सुनो। वो रघु रोकड़ा ना हमारे कारोबार की बुरी तरह से बैंड बजा रहा है। जब से शहर में कदम रखा है खुद तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। कुछ तो कर भाई। बैंक को लोग सुरक्षित समझते हैं इसलिए हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले अगर पैसे नहीं भरेंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे और नुकसान होगा आम आदमी का। सिर्फ हमारे ही शहर में 7,000 करोड़ बैंक का कर्ज बकाया है। अगर आप वो कर्ज वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। इससे ज्यादा आपका काम पसंद आया, डील मंजूर है। कल से बंदे काम पर लग जाएंगे। शुक्रिया। तुम कारोबार खराब कर रहे हो, इसकी हमें गलत खबर मिली थी। तुम्हारा काम करने का अंदाज अच्छा है, खुशी हुई। हम काम करते हैं इंसाफ के साथ, यही हमारी पॉलिसी है। भाई को पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, रोकड़ा दो रोकड़ा। ए, पैसों के लिए डील करोगे भाई का नाम खराब हो जाएगा। भाई ने बहुत ही मेहनत से नाम कमाया है, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदारी से डील करेंगे तो भाई का नाम आसमान छुएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे काम में दखल बिल्कुल नहीं देंगे। अपने तरीके से कारोबार करो। हाँ, चलो चलते हैं टोपा भाई। तू चल मेरे साथ, तुझे तो मैं दिखाता हूँ। क्यों रे, वहाँ मास्टर जी के सामने हमारी इज्जत उतारी और इधर की गलत खबर देकर हमारे बीच में दरार डालना चाहता है। अब बताओ क्या करें इसका? भाई माफ कर दो भाई, गलती से भूल हो गई। तुम्हें माफ कर दें? ये क्यों?
सब समझ गए ना, मामला बड़े प्यार से निपटाना है। जी बेहतर भाई। जी बेहतर भाई नहीं, ओके ब्रो कहो। ब्रो मतलब भाई कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। अब जाओ। कौन है, क्या है भाई? जी हम बैंक से आए। वो लेकर आए हो ना? क्या जनाब? मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अर्जी दी थी, वही लाए हो ना? हम देने के लिए नहीं, लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए हो? क्रेडिट कार्ड की उधारी। अरे भाई, हमारे यहाँ सिर्फ इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं। मतलब सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं। जनाब अगर ऐसी बात है तो फिर मुकदमा करना पड़ेगा। हम पर मुकदमा ठोकोगे? हम मीडिया में कह देंगे कि आप हमारे यहाँ गुंडे भेजते हैं। पुलिस वालों से ये कहूंगा कि आप औरतों से बदतमीजी करते हैं। कर्जा देने वाला जितना होशियार होता है ना, उससे ज्यादा चालाक होता है चुकाने वाला। हेलो, के स्पीकिंग। क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए। मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी? बिल आते ही पेमेंट क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सामान खाने जा रहे हो? पीछे, पीछे, कार, पीछे। मेरी कार खाने जा रहे हो? हमें मार क्यों रहे हो? तुम्हें कॉर्पोरेट स्टाइल में समझाया नहीं समझ में आया, इसलिए रघु रोकड़ा की स्टाइल में समझा। रघु रोकड़ा कौन है? जब रघु रोकड़ा का हाथ पड़ेगा तो फिर घूमते रह जाएगा। कैसे घूमेगा? घुमा कि नहीं घुमा? पूरा चक्कर लगा लिया, आप ही रघु रोकड़ा हो। समझ गया ना, पैसे देकर सामान ले जाना। ए चलो रे, ये तो हमारा बाप निकला। किस फ्लोर पर है वो? थर्ड फ्लोर पर है भाई। अरे दिखाई नहीं देता क्या? सर हमारे माशूक के आशिक। अरे इसका चश्मा अच्छा है, ले पकड़ रख ले। आ ये भी दे, चल निकल निकल चल निकल चल। सब लोग नाच क्यों रहे हैं? आज वैलेंटाइन डे भाई, आज के दिन अगर लड़की फूल कबूल करती है तो काम बन जाएगा। कुछ भी यार, सब बेकार की बातें हैं। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, चल निकल। तो दोस्तों आज हमारे इस मॉल में, हमारे शॉप में जीतने वाले का टोकन नंबर है 153। क्या हो गया भाई आपको? ये वही बस स्टॉप वाली लड़की है। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी तारीफ? शिवानी। भाभी का नाम शिवानी है भाई, बहुत ही खूबसूरत है ना? भाई। हाँ भाई। आपको इनाम में 25,000 रुपए मिले हैं, आप इसका क्या करेंगी? हम चाहते हैं कि आप इन पैसों को हमारी तरफ से किसी अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए। बहुत कमाल है, एकदम सही है यार। इस वैलेंटाइन डे पर आप अनाथों को इतना अच्छा तोहफा दे रही हैं, तो अपने आशिक को क्या देंगी? माफ कीजिए, मेरा कोई आशिक नहीं है भाई। ये किसी की माशूका नहीं है। हाँ भाई। क्या आप बता सकती हैं कि आपका आशिक कैसा होना चाहिए? सच कहूँ तो वो सेंसिटिव होना चाहिए भाई। अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो वो दूसरा भी गाल आगे कर दे। भाई भाई, गांधी जी के उसूलों पर चलने वाला। इनको जो खूबियाँ चाहिए वो तो आपसे एक भी मैच नहीं कर रही है। थैंक यू थैंक यू। भाई आपका गुब्बारा बिल्कुल सही जगह पर गया है। भाई भाभी के हाथों में आपका फूल है, यानी कि बात बन गई। खामोश भाई, इन सब बातों को नहीं मानते। हमने ऐसा कब कहा? भाभी जान जान रही है। बहुत अच्छा। हाँ, सही कहा। उन सभी लोगों को जिन्हें मोहब्बत में फूल मिला है, हमारी तरफ से उन्हें मुबारक हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। छे, भाभी जान नजर नहीं आ रही है। हमारी नजरों से दूर है लेकिन दिल के करीब है। आने के लिए शुक्रिया जनाब, प्लीज वेलकम। सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चलिए जनाब। अरे रे रे रे, जल्दी रिकॉर्ड करो, जल्दी रिकॉर्ड करो। ने ने ना ने 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 ना ने 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 ना ने ना ने नहीं ना ने 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 ना ने 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 ना ने ने ना ने ना। कैसा लगा? नकल है, मतलब बंटी और बबली की असली कॉपी है सर, सिर्फ कोरस डालना बाकी है। जबरा, उसका टेम्पो इसके टेम्पो से अलग है। वो टेम्पो था, ये ट्रक है, इसमें ऐश है, उसमें कैश है। वो अमृत तो ये जहर है। नमस्ते सर। ए शिवानी। यस सूर्या सर। नमस्ते सर। हे, ये ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले भेजना, ब्रेक देते हैं उसे। हाँ, आइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। नाम क्या है? शिवानी। बहुत ही बढ़िया, जैसे शबनम की बूंदे। देखो शिवानी, सच्चाई ये है, हमें ना सुर का पता है, ना ताल का पता है, ना किसी राग का इल्म है, फिर भी हम आज के मशहूर संगीतकार हैं। जानती हो कैसे? असल का कचूमर बनाकर कॉपी करने से। आपसे किसी ने पूछा? खैर, अगर फिल्मों में ऊपर आना है तो अच्छे रिश्ते होने चाहिए। एक कलाकार और कद्रदान का रिश्ता तो ऐसा होता है जैसे मियां बीवी का होता है। ओ, गलत ना समझें, हमारा कहने का मतलब है कि दोनों में इतनी समझदारी होनी चाहिए। खैर, हम ये बेकार की बातें रहने देते हैं और हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं। सुनो
सर। शाम के लिए किसी होटल में कमरा बुक करो, इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये पहुंच जाएंगे। जी बेहतर है। आप समझ तो गई है ना? बहुत अच्छी तरह से। दिल तो कर रहा है कि चप्पल से पीटूं, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं मैं। सिफारिश की नहीं, अपनी कला के भरोसे यहां आई हूं मैं। हॉस्पिटल में कमरा बुक कर दे सर। नमस्ते, बाटा टेलीकॉम चैलेंज में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि सेमीफाइनल में से फाइनल्स में कौन जाएगा। हमारी पहली कंटेस्टेंट है रामपुर की श्वेता। सर। तो यहाँ आ चुकी है रामपुर की श्वेता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम जो गाना सुनाने जा रहे हैं वो फिल्म शर्मिली का है, मेघा छाई आधी रात। गीतकार नीरज, संगीतकार एसटी बर्मन। हमारे मास्टर जी का गाना। जब हम उनके पास सीखने जाते थे तो हमें प्यार से बेसुरैया कहते थे। सच में बहुत चाहते थे वो हमें। वो हमेशा कहते थे, उड़ी बाबा एक्टर तो तू है जो इंडिया के लिए एक दिन ऑस्कर जरूर जीत के लाएगा। धुन चुरानी का अवार्ड होता तो ऑस्कर मिलता। शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। गुड गुड, बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया सर। ये गाना किस राग में था श्वेता? प्रदीप राग। प्रदीप राग मतलब सारी गमा है ना? आरो में क्या गाया? सगा मपा। रा कहाँ गया? प्रदीप में रा नहीं होता सर। हाँ रा नहीं होता है, पर इसमें रा डाल के एक नया राग बना सकती है ना, यही तो जादू है। खैर ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है, सभी ऐसी गलतियां करते हैं, पर फाइनल में ऐसी गलती महंगी पड़ेगी, ख्याल रखना श्वेता। जी बेहतर जनाब। हमारी अगली कंटेस्टेंट है हैदराबाद की शिवानी। हम पेश कर रहे हैं हमने देखी है इन आंखों की फिल्म खामोशी से। गीत निगार गुलजार, गायिका लता मंगेशकर और संगीत है हेमंत कुमार। हमारे मास्टर जी का गाना है और हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारे इस गाने से बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब ये मत कहना कि ये गाना भी हमने लिखा है। इस फिल्म का गाना बनाने के लिए हम और हमारे मास्टर जी होटल ताज में सेटिंग कर रहे थे। हेमंत दा को तो आप जानती है ना, उन्हें मनाना इतना आसान नहीं। हमारा रिश्ता ही ऐसा था कि हम सब सारी सारी रात काम किया करते थे। एक रोज हेमंत दा गुनगुना रहे थे, हमने उस धुन को पकड़ के वहीं एक गाना बना दिया। हेमंत दा हैरान रह गए, हमारे जजमेंट की बहुत कदर थी उन्हें। अगर आपने यही गाना चुना है तो ये वाकई बहुत चैलेंजिंग है। खैर आप गाना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। अरे चैनल क्यों चेंज कर रहा है? रिमोट मुझे दे। क्या हो गया? ये तो वही लड़की है। हाँ? बस करो। इस गाने का ना कोई सुर है और ना कोई ताल। तुम्हें पता भी है तुम कितना बेसुरा गा रही हो? तकिदा 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 धीमी 2/4 तकिदा 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 6/8। इस गाने के माहौल के बारे में पता भी है आपको? हीरो और हीरोइन के बीच का रोमांस कहां है? वो रोमांस हमें रोमांस चाहिए। हाँ मिसाल के तौर पर एक भूखा बच्चा माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ। दोनों में फर्क होता है। हर जज्बे की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी अलग, सुरताल अलग। अगर तुम अपने फैशन और सजने संवरने के बजाय गाने पर मेहनत करती तो ज्यादा बेहतर होता। हमारी बात याद रखना। बहुत अफसोस है, कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का स्तर गिरता जा रहा है। उसकी खास वजह है आप जैसी बेसुरी आवाज जिन्होंने संगीत को बिजनेस समझ रखा है। दिल मत तोड़ो, हम जैसे संगीतकारों का जो आपको मौका देना चाहते हैं। मत करो हमें नाराज, समझ गई? हम आपको जिस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं लेकिन आप है कि वहां पहुंचना ही नहीं चाहती। होटल के कमरे में ना। देखिए फाइनल्स में पक्के इरादे से आइएगा,
हम आपको मौका देने के लिए तैयार है। ऑल दी बेस्ट। पहले तो आप गुस्सा हुए, फिर ऑल दी बेस्ट, हमको समझे नहीं। हमारी चाल तुम्हारी समझ से परे है। रोमांस में आपने एक्शन डालकर गलत नहीं किया। अब हमारे एक्शन का रिएक्शन देखना। मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ मेरी जान। मेरे दिल में जो प्यास है वो अधूरी प्यास है मेरी प्यास। अरे बंद कर रहे हैं शास्त्री, ये क्या बोल रहे हो? प्यास प्यास, जब हमें समझ नहीं आ रहा तो ऑडियंस क्या समझेगी? ऑडियंस बहुत समझदार है। बहस करोगे? हमसे ज्यादा जानते हो। मास्टर जी, महिला सिंगर्स को अंदर भेज दूं, वो गाना पूरा कर देंगे, उन्हें देर हो रही है। तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? गाना मुफ्त में गाती है क्या? अगर उन्हें कोई जरूरी काम है तो सीधे हमसे बात करें, तुम उनके गुलाम हो क्या? उन्हें पता है कि आप बदले में क्या मांगेंगे। अरे चल जा, चल। अरे कुछ जोशीला सुनो शास्त्री जी। ठीक है गुरु जी। हाँ जोशीला। लड़की 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 तेरे चक्कर में आ गई है, मेरे दिल में कड़की। लड़की 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 तेरी नजर है, तिरछी तेरे चक्कर में आ गई है, मेरे दिल में कड़की। कोई आपसे मिलना चाहता है? हाँ भेज दो उन्हें अंदर। जी बेहतर। देखा, ये है हमारे एक्शन का रिएक्शन, वो अंदर आ रही है। लड़की लड़की लड़की, जाइए शास्त्री जी, इसमें से लड़की निकाल के कड़की डाल दीजिए। कड़की? ओके गुरु जी। कड़की 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 है, कड़की 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 तेरे चक्कर में आ गई है। टू थ्री। कड़की कड़की कड़की, अरे कड़की कड़की कड़की, तू आके मुझसे जल्दी से मिल जा। अरे कड़की कड़की कड़की, हाँ वन टू थ्री फोर। कड़की कड़की कड़की, अरे कड़की कड़की कड़की, अरे कार कार कड़की, अरे आके मुझसे मिल जा। अरे कड़की कड़की कड़की, अरे आके मुझसे कड़की, वन टू थ्री फोर, मिल जा जा, तू आके मिल जा। कड़की कड़की कड़की, हैं कौन आप लोग? हम आपके पंखे हैं। पंखे? फैंस मास्टर जी, जय सूर्य एसोसिएशन वाले। ये आपने कब शुरू किया? बस हाल ही में मास्टर जी। कल आप जैसे गिरोह ने आके कहा कि जब हम स्क्रीन पर आएंगे तो वो तालियां बजाएंगे और लेके 25,000, एक भी ताली नहीं मारी। हम उन जैसे नहीं है मास्टर तो जी। फिर कैसे हो? उन्होंने पैसे लेकर नहीं बजाया, हम बिना पैसों के बजा डालेंगे। ऐसी बात है तो बैठिए हमारे पंखे जी। शुक्रिया मास्टर। यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताते हैं मास्टर जी, हम आपकी सालगिरह के मौके पर गरीबों को खाना खिलाओगे, ब्लड डोनेशन करेंगे, वो भी पूरे शहर में। बहुत खूब, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुआ नहीं मास्टर जी, खून चाहिए। किसका? आपका। ये क्या वाहियत मजाक है? समझाते हैं। ए दरवाजा बंद करो। इसलिए हमने सोचा कि सारे शहर में अपना खून बांटेंगे। आप होते कौन हो हमारा खून बांटने वाले? तुम कौन होते हो दूसरों की बेइज्जती करने वाले? वॉचमैन पुलिस को बुलाओ। क्यों मार रहे हो? अरे बताओगे क्यों मार रहे हो? अरे मार चले। अरे क्या कसूर क्या? अब समझे, मुंह खोलोगे तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए जो कहा उसे शराफत से सुनो। जो हुक्म जनाब। एक काम करो, पहले अच्छा सा गाना लिखो, फिर अच्छी सी धुन बनाकर हमें सुना। जी बेहतर। अरे AB22। दुआ खाली तू जा खाली, खाके क्यों जाए तू गाली। दुआ खाली तू जा खाली, तू आके क्यों कहे जा गाली। गाली 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 खाला गाली। जैसे अदाकारी और संगीतकारों को चुना लगाते हो वैसे ही हमें लगा रहे हो। अब क्या गलती होगी सर? क्या गलती हुई अभी पता चलेगा। ए नल्ले को ओरिजिनल सुना। समझ में आया। यही कि आप हमसे नई धुन सुनना चाहते हैं? तो फिर सुनाओ। सोचा नहीं था कि आपको संगीत का इतना ज्ञान है। तारीफ के पुल बांधना बंद करो, पहले गाना सुनाओ। मालिक के कर्म से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गए। अचानक कैसे सोच लूं? सोचना पड़ेगा। हमारे हाल पे रहम कीजिए सर। मुझे कुछ अचानक से याद आ गया, एक बहुत ही अच्छी धुन बनाई थी, आज तक कभी किसी को सुनाई नहीं। सुनने लायक थी ही नहीं। आज वो आपकी नजर करता हूँ। चल फाड़ गला। हाँ, वो तो मैंने कहा था ही पहले, पहली से पहले सीखा कुछ ना पहले। राग सुर ताल कुछ आए जाए ना रे, करीब बुला के गा के सबको सताए रे। भाटावाड़ी का ठर्रा नहर नाली या दर्रा, भाटावाड़ी का ठर्रा नहल नाली या दर्रा, भाटावाड़ी का ठर्रा नहल। इस गाने में ना तो कोई सुर है और ना ही ताल है, कितना बेसुरा गाते हो। कितना बेसुरा गा रही हो? तकिने तकिने ता 24 तका धिना 68। अफसोस फिल्मों का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, फैंस मुझे टॉप पर देखना चाहते हैं और तुम मुझे नीचे गिरा रहे हो। समझ गए जरा, आप हमारे पंखे नहीं है जरा, उसके पंखे हैं। कितने समझदार हैं आप, आसानी से समझ गए। बिल्कुल जनाब, बात दिमाग में बैठ गई, छप गई जनाब। तो फाइनल्स में उसी लड़की को आप आगे कुछ मत कहिए, बस टीवी पर देखिएगा। बहुत खूब, जल्द ऊपर जाओगे। ऐसे भी क्या जल्दी, नीचे ही ठीक है। वो तो तुम्हारे किरदार पर निर्भर है। आपके एक्शन का रिएक्शन तो वाकई धमाकेदार था सर।
सर, ये रही तेरी पेमेंट की रसीद। क्रेडिट कार्ड का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्ज हुआ तो भाई दो पैसों का चार कर देंगे। ठीक है सर। ये तो वो मॉल वाली यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों जी, आप वो कॉम्पिटिशन वाली शिवानी जी है ना? हमें पहचान लिया गया। जी हाँ, वही है। आज तो फाइनल से और आप यहाँ पर हैं? हम हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हेलो भाई, भाभी प्रोग्राम में नहीं गई है क्या? कहा तो कहाँ गई? हे, अंधे हैं, दिखा नहीं देता। आप तो शिवानी जी ना, वो गायिका। जी हाँ, आप भी हमारे फैन हैं? कोई ऐसा वैसा फैन नहीं हूँ, बहुत ही जबरदस्त फैन हूँ। हमने इतने SMS भेजे तब से हमारा आउटगोइंग बंद हो गया। लेकिन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप शॉपिंग कर रही हैं, जल्दी चलिए। हम अपने फैंस को जवाब दे देकर थक चुके हैं। हम ऐसा नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, समझे? मास्टर जी, हम जय सूर्या। प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो लड़की अभी तक आई नहीं। पता है तो बताइए ना, क्या करे जनाब? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे जरा आराम से भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, संभल कर जाओ। बात दरअसल ये है कि टीवी पर शिवानी जी के प्रोग्राम का वक्त हो गया है ना, और हमें उन्हें सुनना है। मतलब आप भी मेरी तरह उनके फैन हैं? जी हाँ बिल्कुल। सर, अगर आप उनके फैन हैं तो आप टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हो? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। क्या हुआ सर? वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैंने कितनी प्रार्थना की थी, वो भी एक पैर पे खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ का सफर करूंगा, मगर लगता है मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए जरूर गाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जाइए जाइए जी, धन्यवाद। श्रवणी, आप आंसुओं में जीतकर अपने फैंस को रुलाइए। What is this? ये भी कोई संगीत है? क्या धुन है ये? मुकम्बर रंजिश, ये कोई कचुंबर है? भाई, ये लातों का बंदा है, बातों से नहीं मानेगा। अरे वाह, कमाल कर दिया, बहुत खूब। यकीन नहीं हो रहा कि किसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है। साक्षात सरस्वती देवी नीचे उतर आई हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ठीक है। ये हमारी जीत नहीं है, ये उन फैंस की जीत है जिनकी वजह से हमने आज हिस्सा लिया। क्या बात है, भाभी बहुत अच्छा बोलती हैं। सॉरी, हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरफ से गुजारिश कबूल करें और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। अगर वो इतना कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। भाई, अब तो बोलिए मामू जान, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी तहकीकात तो कर ली है ना? मंत्रालय वाले गोपाल ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयां ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। ए, किसी के साथ कोई बहस मत करना। हाँ, बिल्कुल प्यार से। हमारी नजर में शादी एक पान की तरह है, कत्था चूना डालने से जैसे पान का टेस्ट बढ़ता है, वैसे ही अच्छा साथी मिलने से जिंदगी संवर जाती है। नहीं, सुपारी तो की तरह जुबान भी कट जाते हैं, है ना बेटी? हमें तो बस उस गरीब की फिक्र है जिससे तुम्हारी शादी होगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी के अंदर काबिलियत है। वेलकम जी। हम पता है, अंदर आइए, आइए आइए बेटा, आइए बैठिए। मामला सेटल कर दीजिए, और कितने दिन चक्कर लगवाएंगे? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मंत्रालय वाले गोपाल ने जो सिफारिश की है, आप हमें बिल्कुल पसंद आए, एक दूसरे को देख लें, अगर मंजूरी होगी तो जल्द पीपीपीपी ढुम 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 हो जाएगी। पीपीपीपी ढुम 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 ढुम, यहाँ कोई लड़की देखने आ रहा है क्या? आप है? जी हाँ, मैं ही हूँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? जी बिल्कुल मामू जान, ये तो हमारे बहुत बड़े फैन है। वैसे नाम क्या है आपका? जनाब, आपने नाम नहीं बताया था बेटा, शायद भूल गई। इनका नाम है शरद कुमार। ओहो, काम क्या करते हैं आप? आपने बताया नहीं? बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पर? जनाब, आपने कुछ भी नहीं बताया।
सब बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होदे पर हैं। अरे जनाब आप रहने दीजिए, हम बताते जी बेहतर। मंत्रालय वाले गोपाल जी ने कहा है हम टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होदे पर हैं। नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए दोस्त बन जाएं, तभी हमें एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा, और जब एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा तब शादी के बारे में सोच लेंगे। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा जी। हेलो, ऐसी बात है? ऐसा क्या? ठीक है हम भर देंगे। क्या हुआ मामूजा? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक हम खरीद ना ले प्यार से बात करते हैं, और जहाँ एक किस्त मिस हुई धमकियां देते हैं, गुंडे भेजते हैं आजकल वसूली के लिए। ये गलत बात है ना बेटा? सरासर गलत है। लगता है बारात आ गई, क्या करूं? जनाब आप फिक्र मत कीजिए, हम उनसे डील करेंगे। आप रहने दीजिए, आप तकलीफ उठा रहे हैं, हम समझा कर आते हैं जनाब। मैं लेकिन आप क्या करेंगे? मिस्टर शरद इन्हें जाने दीजिए, ये मामू जान के रोज का काम है, ये हमारा फर्ज है। हम हैं शरद। तुम शरद हो या सर का दर्द, हमें क्या? हम शरद हैं। हमें अच्छी तरह पता है तुम कौन हो, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन हमें आपने तो बुलाया था। हाँ मैंने ही बुलाया था, और अब कह रहा हूँ चले जाओ। पर अंकल आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें इससे क्या, हम ऐसे ही बात करेंगे, क्या कर लोगे? हाँ ठीक है, हम मंत्रालय में सबको बता देंगे। ये तो मरवा देगा, अभी आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम मंत्रालय के नाम से डर जाएंगे? सेक्रेटरी गोपाल हमारे करीबी दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं, हमारे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते क्या हैं? क्या तू इन्हें जेल की चक्की पिसवाएगा? तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं जा रही? तुम जाते हो कि नहीं? देखिए हमें गोपाल किसे दोस्त दे रहे हो, चल निकल यहाँ से। अंकल आप जाइए, चल चल बाहर चल। असल में बात यह है कि हमें यहाँ पर गोपाल ने लड़की देखने के लिए भेजा है, हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं। उन्हें मत बताना। वो किस लिए? किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी आते। हमें हुआ है। किससे हुआ है? जिस लड़की को तुम देखने आए वो भी आपसे प्यार करती है क्या? वो हमसे प्यार करती है इसलिए तुम बाहर हो, हम अंदर हैं। सही बात है, लेकिन अब हम क्या करें? आप कुर्बानी दो। क्यों दे और किसके लिए दे? मेरे लिए। अरे आप है कौन? अभी बताते हैं। पैसा नहीं देगा? क्या बोल रहा था वो बता। हमने उसे समझा दिया जहाँ शादी के कार्ड बटने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। शुक्रिया बेटा। बेटे को शुक्रिया मत कहिए। रिश्ता जोड़ने की इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप हुई है। हमें तुमसे एक बात पूछनी थी, हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक वक्त में सिर्फ एक से ही फ्रेंडशिप, तभी तो हम पूरी तरह से एक दूसरे को समझ सकेंगे। बस इतना ही। क्या रे, पेट भरा? हाँ भर गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जिंदगी भर याद रहेगा। क्या याद रहेगा? गया था लड़की देखने पर देखने के भी लायक नहीं रहा। करेक्ट, अब क्या करेगा? कभी लड़की देखने नहीं चाहूंगा। ज्ञान साहब जी, आप जैसों की गोद में तितलियां और हाथ में हथियार होने चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि हम फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों पर जुल्म करें? पेंटिंग तो हमारा शौक है। यमराज के हाथ में फूल अजीब है ना, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बेकार की बातें बहुत हुई, काम बताइए। क्या बताएं भाई, हम तीन रातों से सोए नहीं। तो क्या हम आपको लोरी सुनाएं? एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही समझ सकता है। एक आप जैसा गुंडा, एक दो टके का आदमी हमारे स्टूडियो में आकर हमारे स्टाफ के ही सामने हमें जलील कर गया। जलील तो किया ही, ढोल की तरह बजा भी गया। बिल्कुल सही कहा, आप डर क्यों रहे हैं जी? डॉक्टर और भाई लोगों से कुछ भी छुपाते नहीं है, अंदर की बात भी नहीं। अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हारी जबान रुकेगी तो मेरी चलेगी ना? बोलिए। हाँ तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम हमसे क्या चाहते हो? आप उसे सबक सिखाएं। हम म्यूजिक डायरेक्टर कोई मुसीबत नहीं चाहते, आपका जो भी चार्ज होगा वो चुका दिया जाएगा। आप उसे किसी भी तरह बस। हम बताते हैं सर, उसे आप वैसे ही मारे जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये हमें क्या पता? हम किस मर्ज की दवा है जनाब, ऐसी धुलाई हमने कभी कपड़ों की भी नहीं देखी। जैसे शिवामणि का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने नगाड़े बजाते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, और इतना ही नहीं जनाब उसने तो क्या रोलिंग टाइटल भी सुनाएगा। सिर्फ कॉपीराइट बाकी है जनाब, सारे इंस्ट्रूमेंट इन्हीं पर बजा डाले। अरे समझ गए भाई, समझ गए, आपको उसकी वैसी कुटाई करवानी है जैसी आपकी हुई थी, है ना? जी बिल्कुल भाई। अब बोल कौन है वो? रघु रोकड़ा। हमें हमारे आदमी के खिलाफ भड़का रहे हो? हाँ अबे बेसुरी ताल, तुम हमारा कारोबार बंद करवाना चाहते हो क्या? हा? जी बिल्कुल नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? तीन घंटे से एक ही पोज में खड़े खड़े हमारी कमर अकड़ गई है, मैं बाप थोड़ा आराम कर लूं क्या? नहीं, यहाँ पर आराम करना हराम है जनाब। तू किसी पालतू की तरह दुम को हिला रहा है। आप एक कलाकार हो इसलिए इज्जत से आपको खड़ा करके आपकी पेंटिंग बना रहे हैं। अगर ज्यादा बेकार की बातें करोगे ना तो हम तुम्हें उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, बाम्बू पर बिठा कर बनाऊंगा। चलिए अब आकर देखिए, तस्वीर तैयार है, दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए देख लीजिए। बच गए।
हमें क्या देख रहे हैं, खुद को देखो ना, एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। भाई पूरे बदन पर सोना भरा हुआ है, फिर भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते। हम बिजली का बिल नहीं भरते, क्रेडिट कार्ड का क्यों भरेंगे? और सुनिए, आप लोगों ने ज्यादा कुछ किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि आप लोग। पुलिस कंप्लेंट करोगे? पुलिस कंप्लेंट करोगे? ए, निकालो इसका सोना। निकाल 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 कर रहे हो? अरे अरे मैं भर दूंगा भर दूंगा। निकाल सोना। अरे मेरा सोना तो छोड़ो। अरे 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। अरे हटो हटो, पीछे हटो, मत मारो इसे प्लीज। कार का बिल नहीं भरा तो क्या हुआ भाई? इंसानियत नाम की कोई चीज भी तो है। इंसानियत नाम की कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहो तो इनका बिल हम भर देते हैं, इनका सोना लौटा दीजिए। जनाब आप जाइए और सोना पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये क्या हो गया? अरे शिवानी जी आप यहाँ? शिवानी जी आप यहाँ कैसे? मंदिर जा रहे थे आपको देखकर। अरे वाह, अजीब इत्तफाक है, हम भी वहीं जा रहे थे लेकिन ये देखकर रुक गए। हम हर शनिवार को मंदिर जाते हैं, चलिए साथ चलते हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वहाँ हमारे फैंस को मार रहे हैं। वो आपको भाई क्यों कह रहे हैं? यहाँ के लोग दूसरों को भाई कहकर बुलाते हैं। आप रुकिए मैं देखता हूँ। अरे जनाब जनाब रुकिए रुकिए प्लीज रुकिए जनाब। हमें रोकने वाले तुम कौन हो भाई? आप ही की तरह इंसान इंसान हो, चलो फटे यहाँ से। अरे जनाब रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारी भाभी देख रही है, उससे बाद में निपट लेंगे, समझे? जनाब जनाब प्लीज 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 जनाब जाने दीजिए, प्लीज जनाब मैं समझाता हूँ आपको बाद में। दूर दूर तक इस इलाके में नजर मत आना। माफ कर दीजिए वसूली करने। अरे शिवानी जी आप यहाँ पर? चोट तो नहीं लगी आपको? मार पड़ेगी तो चोट तो लगेगी ना शिवानी जी। वक्त पर आकर इन्होंने बचा लिया। अरे हमने नहीं, इन्होंने बचाया है, आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया शिवानी जी, शुक्रिया। चलते हैं। एक बात बताइए, उसने बिना वजह आप पर हाथ उठाया और फिर भी आपने उसे छोड़ दिया? रात को उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वैसे भी गांधी जी ने कहा है, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। हम वैसा तो नहीं कर सकते लेकिन उसे जोर जोर से ना धोकर हम गांधी जी की आत्मा को शांति पहुंचा सकते। और मार इसे, और मार हाथ उठाएगा जी। ये टोटल 10 लाख ले जाकर अंदर रख दो जी। बेहतर भाई। भाई आपके आदमियों ने बहुत मार लिया, आप तो माफ कर दो। मेरे छोकरों की बॉक्सिंग प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, खत्म हो जाएगी तो छोड़ देंगे। नहीं भाई, पैर छोड़, चल निकल, छोड़ दो। हेलो, हम बोल रहे हैं शिवानी। हेलो शिवानी जी, क्या बात है जी? कुछ खास नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी जी। बिल्कुल, कहाँ मिलना है? ऑफिस छोड़कर हमसे मिलने मत आइए, आप वहीं रुकिए, हम ही आपके ऑफिस आ जाते हैं जी। बेहतर, आ जाओ। क्या बात है, बहुत खुश देख रहा है बेटा। यहाँ पे नहीं, ऑफिस में। हाँ, लेकिन किसके ऑफिस में? मतलब वो शरद के ऑफिस जाएगी? सुनिए मैडम। हाँ? शरद कहाँ मिलेगा? कौन शरद? वही जो हाथी के बच्चे जैसा दिखता है, उस कैबिन में है। ओह नो, क्या रे क्या चल रहा है? जनाब आप जल्दी से कोट उतार। लेकिन किस लिए? उतार, मुझे पहनना है। उतार। कोई हमसे मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ कोई क्यों आएगा? समझाया था ना, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी आ जाऊंगा। सर कीज मत दबाइए वरना सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा पक पक मत कर, हम शरद हैं, हमें सब पता है। तो हम कौन है? हाय शरद। हाय हाय हाय। ओए नहीं, प्लीज कम। शरद ये कौन है? आप ही गैस कीजिए। आपके पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? अबे मुंह खोलेगा। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने हमसे पूछा है आपसे, जाकर टी कॉफी ऑर्डर करो मैडम के लिए। आप बहुत होशियार हैं, हम अभी जाकर ऑर्डर कर देते हैं। hey, मिस्टर। दो दिन पहले कहा था कि हमारे लैपटॉप में वायरस आ गया है, आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देना है, ये बात तुम्हें याद नहीं है क्या? शरद ये आपके बजाय आपके पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इसलिए वो पीए से बात कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? ईगो। ओ कुछ कहो तो रिश्ता तय करने के बहाने छुट्टी ले लेते हो। ये ऑफिस है, कॉफी हाउस है या गेस्ट रूम है, आखिर कौन हो तुम लोग? दोस्त। दोस्त? बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? हमें पता था, हमें पता था आप यही कहोगे। कहिए सर, कहिए आप कौन है, आपका रुतबा क्या है, इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? आप तो ये भी पूछेंगे कि लड़की कौन है। बिल्कुल सही कहा, कौन है ये लड़की? सर हमारा आपस का मसला है, दूसरों को मत घसीटिए। किसी लड़की को पूछे कि आप कौन है तो बेइज्जती हो जाती है। लॉर्ड गवर्नर है या मुख्यमंत्री? ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये सेलिब्रिटी है सर। ये लड़की सेलिब्रिटी है? कौन से फील्ड में? संगीत। शिवानी जी द ग्रेट सिंगर। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लता मंगेशकर, अरे कभी नाम भी नहीं सुना इनका मैंने। शिवानी जी आप बुरा मत मानो, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। मिस्टर
आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, लेकिन सिंगर नहीं बन सकते। आप जैसे बदतमीजों के मुंह तो लगना भी पसंद नहीं करते हम। क्या बदतमीजी है ये? बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? क्या है ये सब? क्या चल रहा है? रुके रुके शिवानी जी, गुस्सा थूक दीजिए पर इनके मुंह पर नहीं। चलिए हम आपको कूड़ा दान दिखाते हैं। यो शरद, सड़क छाप लोगों को हमारे ऑफिस में लाकर तुम मेरी इज्जत उतरवाते हो? हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। कोई ताल्लुक नहीं है तो केबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठा? हमारी कुर्सी तो दूर, वो हमारे कुंडली में बैठ गए हैं। शिवानी जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? शरद जी रहने दीजिए, उसने कितना कुछ कहा फिर भी आप खामोश खड़े रहे। लड़ाई झगड़ों से हम भी दूर ही रहते हैं, लेकिन खामोश रहेंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे ना। इसी तरह कल भी उस आदमी ने आप पर हाथ उठाया और आपने कहा कि उसे खुद एहसास होगा। कहाँ हुआ उसे एहसास? भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप पर हाथ उठाने के बाद हम रात भर सो नहीं सके। आप हमें माफ कर देंगे तो हमें बहुत सुकून मिल जाएगा। माफ कर दीजिए। एहसास से बढ़कर कोई पश्चाताप नहीं। खुद को देखिए कितना बदल गए हैं। हम भी यही चाहते थे, अब किसी पे हाथ मत उठाइए। बिल्कुल नहीं उठाएंगे भाई साहब। शिवानी जी हमारा सारा घर आपका दीवाना है, हमारी दुआ है आपको इनके जैसा नेक इंसान मिले। ठीक है चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा शरद जी, ये फॉर्मूला तो बड़ा कमाल का है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने तो बस वही किया है जो गांधी जी ने कहा है। खैर आप हमें ये बता दीजिए कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुँच चुकी है। आपकी बनाई ये पेंटिंग तो एग्जीबिशन के लायक है, इसे एग्जीबिशन में भेजिए भाई। एग्जीबिशन में अगर गई तो छोटा मोटा इनाम नहीं, सीधा बेस्ट प्राइज मिलेगा। चुप, तुम्हें कला पर यकीन नहीं है क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में भेजा होता तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। तुमसे ज्यादा दिमाग तो तुम्हारे आदमियों के पास है। हम बना रहे हैं ना मास्टर जी, इन्हें बनानी नहीं आती है। अगर ये लोग पेंटिंग बनाते तो अभी तो मैयत ही निकल जाती है। तमीज है या नहीं? तुमने ये अच्छा नहीं किया शिवानी। गाने का मुकाबला जीत का सारा श्रेय अपने फैंस के नाम कर दिया। इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर हम आपका जिक्र कर लेते तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाता ना। क्या बात है शिवानी, तुम तो बहुत दूर की सोचती हो। छे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर इतना दिमाग होता तब तो सोच पाते ना। उमानी जान, मामू जान, हमारी छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? भले ही ये हमारी अपनी औलाद नहीं है लेकिन ये हमारे लिए उससे भी बढ़कर है बेटा। अच्छा आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची? मास्टर जी की दुआ से पेंसिल से ब्रश पकड़ना सीख लिया है। एक छोटे से बच्चे को भी पेंसिल से ब्रश पकड़ने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं, इनको 2 साल लग गए हैं। मास्टर जी हमारी छुटकी आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा है, आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तुमने दुनिया के बदलते रंग कभी देखे? जब लोग हमारे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आते हैं तो हमें भगवान समझते हैं, सगे बेटे से बढ़कर मानते हैं, लेकिन जब हम अपना घर बसाने की बात करते हैं तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता है, हमें गुंडे की नस्ल कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो इसलिए हमने तुम्हें मामू जान के हवाले कर दिया। कोई लड़का पसंद आया तुम्हें? जी हाँ पसंद आया है। अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब? बचपन से हम जिस तरह के लड़के के बारे में सोचते थे ना, हमें बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है। हमारा जबरदस्त फैन है, नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे तो देर किस बात की है, जल्दी बुलाओ उसे, यही बैंड बजा देते हैं। दिल का दौरा पड़ जाएगा उसे। क्यों, वो दिल का मरीज है क्या? नहीं भाई जान, वो तो बहुत शरीफ है। हमने अपना खानदानी बैकग्राउंड बड़ी मुश्किल से छुपाया है उससे, असलियत पता चलने पर भाग जाएगा। ऐसी बात है क्या? तो क्या करें? आप फिक्र क्यों करते हैं भाई जान, हमारे दिमाग में एक आइडिया है। क्या भाई, सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? शिवानी के घर वालों ने हमें मिलने बुलाया है। वहीं जा रहे हैं। ओहो, हेलो रघु सर, हम शरद बात कर रहे हैं। कौन शरद? वही जो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है। अरे आपका ये क्या बात है? अब आपसे क्या बताएं सर? तो फिर मत बताओ। अरे नहीं बताते हैं, बताते हैं। आपने हमारे नाम का इस्तेमाल किया तो हमने भी आपके नाम का इस्तेमाल कर लिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा सर पैसे। जानते हैं हम कौन है? नहीं। ईस्ट साइड में कोलकाता, वेस्ट साइड में आमची मुंबई, नॉर्थ साइड लद्दाख कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान उसी तरह इस रघु रोकने की शान। रघु रोकने? यस। आप जो चाहे ले जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। बाल बाल बच्चे। शाबाश मेरे शेर, बिना किसी डर के नाम का इस्तेमाल करो। वही तो कर रहे थे सर। साहब मेरे पैसे। जानते हैं हम कौन है? नहीं जानता। ईस्ट साइड कोलकाता,
वेस्ट साइड आमचे मुंबई, नॉर्थ साइड लद्दाख कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान, वैसे ही फेमस इस रघु रोकड़े की शान। तुम रघु रोकड़ा हो? यस। तेरी तो गिरेबान नहीं, तुम कौन हो? काला चौकी का इंस्पेक्टर हूं। हमारे साले साहब ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो तुमने उसे फिर दिया। चल नहीं छोड़ो साहब। जहाँ शहद होता है वहाँ शहद की मक्खी होती है, एडजस्ट कर लो। वही तो कर रहे हैं, आप हमारी एक छोटी सी मदद कर देंगे? क्या करना है? इनका कहना है कि हम रोज पुलिस थाने आकर आपके दस्तखत करें। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अगर जाली दस्तखत किए तो ये लोग हमारी पूरी तरह बारात निकालेंगे। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। आप यहाँ आकर इंस्पेक्टर को बता दे कि आप ही असली रघु रोकड़ा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो 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 हेलो, अभी तक तो आवाज बिल्कुल साफ थी। तुम मोबाइल वाले से कहो हमें क्यों सुना रहे हो। पर उसका मोबाइल कौन सा है भाई? अगर असली शरद आसपास रहा तो हमारा भांडा फूट जाएगा। उसका गेम बजा दे। चुप्पे, मौका देखकर हम शिवानी को बता देंगे। जी जी बेहतर। क्या बात है, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। ये क्या, हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। दिख रहा गोल गोल घूमते जा रहे हैं। सर रास्ता इस तरफ है। ए, मुझे पता है, हट चल। ए कौन है आप? भाईजान आप हैं? धोखा खा गई ना। आप तो सच में पक्के बिजनेसमैन लग रहे हैं। डरो मत सिस्टर, अगर उसने मना किया ना तो पीट पीट कर हाँ करवाएंगे। मच्छर कहीं के मुंह खोला तो जुबान खींच लूंगी। वो बंदे का अपना, वरना हमारी सगाई जुदाई में बदल जाएगी। ए, भाई वही करना जो बहन कहे। जी बेहतर। खैर शिवानी, शरद कुमार कहाँ है? मेरी गाड़ी में क्यों घुस रहे हो? आगे से यू टर्न ले। लेकिन मुझे तो सीधा जाना है। ए, मुंह बंद रख, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। हम किसी खास काम से जा रहे हैं, मुझे बताओ कहाँ जाना है। ज्यादा होशियारी मत कर। किंग। किंग कौन है? किंग गाड़ी घुमा। एक्शन फिल्म की तरह बंदूक गाड़ियां कहां से आ गई? लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो। चुपचाप गाड़ी चला। भाई पकड़ लिया उसे। ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में आमची मुंबई, नॉर्थ में लद्दाख कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान, वैसे ही दुनिया में फेमस रघु रोकड़े की शान। बीच में ये किंग कहां से आया? है किंग, मार डाल इसे। Let's go.
क्या बात है, अभी तक नहीं आए? कहीं ट्रैफिक में किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? मारपीट? मारपीट हुई तो वो खुद ही पिट कर आ जाएंगे। गलत नंबर लग जाए तो माफी मांगकर फोन कट कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत आदमी को छेड़ोगे तो दफन हो जाओगे। शरद भी ना, कहाँ रह गए? अब आ रहे हैं। भाईजान कब से इंतजार कर रहे हैं? भाईजान? उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही हमें मामूजान के पास पढ़ाई के लिए भेजा था। तुम्हारे भाईजान करते क्या है? उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। भाईजान, भाईजान ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद ये है हमारे भाईजान ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। क्या कहूँ, जलजले से पहले कयामत आ गई। हिटलर की बहन निकली यार वो। वो तो ठीक है, लेकिन आप वहाँ से निकले कैसे? बताते हैं। भाईजान ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद ये है हमारे भाईजान ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्यों बे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तुम मेरी बहन को ही बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, आप किससे कह रहे हैं? हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। हाँ हमसे? हाँ तुझसे ही रघु रोकड़ा। ये क्या कर रहे हैं आप? इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं, शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है या रघु रोकड़ा। शरद, शरद। अरे शिवानी, ये हमारे लिए 20% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है। नहीं शरद, ये मक्कार कोई शरद नहीं है। क्या कह रहे हैं भाईजान? इन्हें मामूजान के दोस्त सेक्रेटरीट वाले गोपाल जी ने भेजा था। हम इनके ऑफिस तक जा चुके हैं, कितनी मुश्किल से इन्हें पसंद किया और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि हम आपकी बहन है तो कोई शरीफ लड़का हमसे शादी नहीं करेगा। इतने वक्त तक हम यही जताते रहे कि हमें गुंडों से नफरत है, बड़ी मुश्किल से ये मिला था और आपने इस पर गन तान दी। बिल्कुल अक्ल नहीं है आपको। गुंडों को और बातें गांधीगिरी की। अरे इसके मुंह पर पानी का छींटा मारकर होश में लाओ। शरद आप ठीक है? इसे रखो। लेकिन आपने तो कहा था कि आपका बिजनेस है, तो ये गन किस लिए और ये रघु रोकड़ा कौन है? शहर का मशहूर बदमाश है। हम कुछ समझे नहीं भाई। और समझ भी मत, हार्डवेयर वाले के साथ हमारी एक जरूरी मीटिंग है, हमें वहाँ जाना है। चलो रे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। सलाम सलाम भाई। रघु कहाँ है? जी जी वो क्या लगा रखा है, कहाँ है वो? वो सो रहे हैं भाई। ये कोई राजकुमार है जो अभी तक सो रहा है? जगाओ इस कमीने को, जाओ। अरे उठाओ इसे, ताकत नहीं है क्या? क्या तुम लोग भी सुबह सुबह? अरे पार्टनर, तुम सुबह सुबह कमीशन के लिए पहुंच गए? नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो? तुम चुप रहो। यार रघु, तुम 7:30 बजे कहाँ थे? काला चौकी पुलिस थाने। पुलिस थाने में? हाँ, क्रेडिट कार्ड की वसूली में एसीपी के साले साहब को पीट दिया था, इसलिए रात भर लॉकअप में था। अच्छा। हाँ एसीपी रमेश को कॉल करो रे। हाँ भाई। हाँ रमेश, तुमने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? सिर्फ अंदर नहीं किया, ऐसी जगह पीटा है कभी बैठ भी नहीं पाएगा। वसूली करता है, वसूली करता है। छोड़ दो साहब। अच्छा ये बता, जब तुमने उसे छोड़ा तो कितने बजे थे? हमने उसे ठीक 10:45 पे छोड़ा था। पक्का ना? एकदम पक्का। यार रघु, सारी रात उन्होंने लॉकअप में तुम्हारा बैंड बजाया, तब तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम हमारे आदमी? वो छोड़ देते तुम्हें। आपको लगता है कि हम जिंदा बचते हैं, जबरदस्ती की गर्मी दिखा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा किस पर भरोसा करें, उस पर या इस पर। खैर छोड़ो, चलते हैं। बाय पार्टनर। अरे बाप रे, समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों इतने हूबहू कैसे हो सकते हैं। अरे मैं बताता हूँ ना भाई, इस बार की दिवाली वाली रात को मैंने हिंदी फिल्म देखी थी टीवी पर, उसमें एक रईस घराना होता है भाई, उस घराने में मन्नत के बाद 2 ट्विंस पैदा होते हैं। ये ट्विंस बोले तो? जुड़वा बच्चे भाई। अबे अंग्रेज की अलाल, हिंदी में बोल। उनकी पैदाइश पर एक अच्छी सी पार्टी होती है, तभी एक तूफान आता है और सबको बहा कर ले जाता है। आगे की कहानी हमें पता है।
एक बच्चा अपने टोपा भाई को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, दूसरा अच्छे खानदान में पला जिसे हमारी छुटकी ने पसंद किया और वो शरद है। बिल्कुल सही भाई। जी भाई जान। जरा अपने शरद का पता तो बताना। अरे हमने उसे रघु रोकड़ा समझकर उसे बुरा भला कह दिया था, जाकर उसे माफी मांगेंगे। खाने के वक्त कौन आ गया? अरे आप यहाँ पर? नौकरी से निकलवा कर पेट नहीं भरा तो घर चले आए? हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा नाम और हमारा पीछा छोड़ दे। दुनिया में तुम ही एक शरद हो क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो हो सकते हैं। अरे इसीलिए तो काली चौकी में रात भर हमें जूते और डंडे पड़े। अरे बेटा कौन है? हम तो समझते थे तुम अकेले रहते हो, यहाँ तो फैमिली। बिल्कुल सही सर, ये दोनों हमारी जिंदगी में पहले एपिसोड से हैं। लेकिन हम इनका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते सर, हमारी दादी जान नाबीना और दादाजी बहन हैं। ये तो काम की बात निकली। दादी देख नहीं सकती, दादा सुन नहीं सकते और जनाब की अकल कम है। ये खानदान आप ही के लिए बना है सर। अरे बेटा ये लोग कौन है? दोस्त है। हमारा नाम शरद है। इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे एकदम से तुम सारे दोस्त यहाँ कैसे? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर आ रहा है। जब जब उन्हें तुमसे मिलना होगा तुम यहाँ पर घुसोगे। दादी लल्लू यहाँ है। ध्यान रहे मैं अंधी हूँ, ये बहरे, ये उन्हें पता ना चले। लड़की वालों के सामने तन के रहना, अगर उन्हें पता चल गया कि हम अंधे बहरे हैं तो वो ऐसे ही भाग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। एक बात, आप मेरी बगल में ही रहना ताकि मैं चुटकी बजाऊं और उन्हें कुछ पता ना चले, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे लगता है वही आ गए। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो। अरे भाई आप यहाँ कैसे? अरे आपका इंतजार नजर आ रहा है। वो क्या है, हमने जो आपके साथ किया उसका हमें बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं भाई, इसलिए सोचा कि आपसे माफी मांग ले और आपके घर वालों से भी मिल ले। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है, हमारा दोस्त है। अरे यार वहाँ शक्लें मिलती है या नाम मिलते हैं, अजीब इत्तेफाक है। बहुत अच्छे। खैर अपने घर वालों से मिलवाएं। ये ज्ञानेश्वर है, शिवानी के बड़े भाई, अपनी गलती पर शर्मिंदा इसलिए माफी मांगने आए। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। अरे शरद तुम हमारे पास बैठो। हम अपने बच्चे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हीरा है, हीरा बड़ा ही नेक दिल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दादा जान, दादी जान, हमने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियां दी, उसने आपको नहीं बताया लेकिन हमें बता रहा था। भूल जाइए, उससे भी बढ़िया रिश्ता देखेंगे हम उसके लिए। अरे गोपाल आप नाराज क्यों होते हैं, होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। जी गोपाल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आइंदा से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करें आप। अरे मैंने क्या कहा? खैर बेटा ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? जी हाँ ये भी शरद है। शरद की आवाज बदल कैसे गई? हमारा लल्लू कहाँ है? हमें सोच समझकर मामला संभालना पड़ेगा। अरे जनाब आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए हैं, हम तो चेहरे देखकर परेशान हो गए थे, इसीलिए तो भूल कर बैठे। शरद तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आ रही है, तुम खूबसूरत नौजवान हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की देखता हूँ। अरे चुप करें, शरीफ आदमी होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्यों? हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं देख सकते? अभी दिखाते हैं क्यों नहीं देख सकते। चलिए हमारे साथ चले। ले जा रहे हो भाई? हमारे शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखोगे? हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसीलिए हमने दूसरे रिश्ते की बात की, आखिर इसमें बुराई क्या है? आप हमें सूट बूट में देखकर शरीफ आदमी समझ रहे हैं? बताओ क्या? हाँ तो बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? अरे क्या कर लोगे तुम मेरा? उतर आए सुन गोटिया भाई, इन्हें कोने में ले जाकर जरा 10 कदम दिखा दे, फिर फिक्स डिपॉजिट में रखवा दे। अरे ये आवाजें कैसी? गलतफहमियां। शरद ने तुम्हें पास बैठने को कहा था, बेटा जगह बदल लो। दादी वो आ रहे हैं। अच्छा जाओ बैठ जाओ। हमने गोपाल जी को समझाकर भेज दिया है, कोई मुबारक दिन देखकर तारीख पक्की कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं दादा जान? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप हर बात दो बर्तमा कहते हैं। शरद कुमार जरा आइए ना, बाद में मिलते हैं। अच्छा बेटा अच्छा। अरे तुम्हारा साला तुम्हारे साथ चल रहा है, उसे तुमसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त में दिलचस्पी है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचेंगे तो गलत फहमी में ही निकल लेंगे। ठीक है ठीक है लल्लू। क्या है ये? अरे तुम खुद ही देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? आप किस? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? आपके साले साहब? आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं हमने। हाँ आपने? हमें तो यकीन नहीं हो रहा, कमाल है, बेमिसाल। देख लिया तुम लोगों ने, शरद एक इंजीनियर होने के बावजूद फन की कदर करना जानते हैं, और वो कमीना रघु रोकड़ा फन की कदर क्या जाने। साले साहब आखिर ये रघु रोकड़ा है वो क्या? कमबख्त आदमी नहीं, खबीस है, कमीना पैसों के लिए कत्ल करता है, कूड़े का डिब्बा, खटिया आदमी है। छी 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 छी।
खैर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमबख्त की बात किस लिए, हमें अपनी बहन को खुशखबरी सुनानी है। जी बेहतर, अपना ख्याल रखना। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन पूरे ड्रामेबाज है, कैसे गालियां बक रहे थे आपको। आगाज भले उन्होंने किया हो, अंजाम तक मैं ले जाऊंगा। शरद और रघु के चक्कर में डालकर ऐसा घुमाएंगे कि हो जाएगा उनका भेजा फ्राई। अरे तुम हमारी बात सुनो, तुम पाकिस्तान पर और 25 लगा दो। अरे क्या है, हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? जब देखो पैसे पैसे करते रहते हो। अरे दादू, इसके घर में फोन करके भेजो कि पैसा दे और अपना पार्सल लेकर जाए, ले जाओ। अरे दादू, हमें 50,000 अभी चाहिए थे। पिछला उधार तुमने अभी तक दिया नहीं है, तुम्हें पैसा नहीं दूंगा मैं। नहीं देंगे, नहीं दूंगा। तो फिर हम किस लिए जिंदा हैं? छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, छोड़ दे, गन छोड़ दे, नहीं रहना है, छोड़। अबे बर्रक, ये ले पैसे। हम पर भरोसा रखे दादू, हम आपका पैसा चुका देंगे, आपके सारे के सारे पैसे लौटा देंगे। अरे शफीक भाई, हम 50 भेज रहे हैं, 25 यहाँ लगाओ, 25 वहाँ। ये क्या भाई, कब तक हम इसको ऐसे झेलते रहेंगे? जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक। क्या बात है? किंग जिंदा है अभी। बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने कि हमारा भांजा किंग इसी शहर में है। तलाश जारी रखे, जारी रखे। सुनो दादू, हम आपके सारे के सारे पैसे चुका देंगे और आज हम लोग खुशियां मनाएंगे। खर्चे की फिक्र ना करे, दिल खोल कर खर्चा करे। और अगर नहीं मिला? अरे तो वो यकीनन मिलेगा, आखिर वो जाएगा भी तो कहाँ, समझिए वो हमारी कैद में है। सारे शिवानी, क्या बात है भाईजान, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बात है ही खुशी की। पता है हमें लग रहा था रघु रोकड़ा डबल रोल खेलकर हमें चूना लगा रहा है, लेकिन हम गलत थे, वो दो ही हैं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हमने उन्हें इसीलिए चुना कि हमारे खानदान में घुल मिल जाएंगे। सुनो शिवानी, इससे पहले कि उसे हमारे खानदान का पता चले, हम तारीख रख कर बारात बुलवा लेते हैं, क्या ख्याल है? जो आप बेहतर समझे। अरे अरे देखो तो कैसे शर्मा रही है। जजमान जी, मुहूर्त बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी हो तय कर दे। फिर क्या, ढोल बजा दिया। लेकिन एक मुश्किल है, मुहूर्त 1 घंटे में निपटा। 1 घंटे के अंदर हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदनी है क्या? कुंडली के हिसाब से सगाई जल्दी हो जाएगी तो ही भला होगा। 1 घंटे में कैसे होगा, कोई दूसरा वक्त देखें। दूसरा मुहूर्त अभी नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ए पंडित, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक लगाऊंगी ना तो अंकल ठिकाने आ जाएगी। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बेटा, बात ये है कि अगर सगाई वक्त पे नहीं हुई ना तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी। सच कहूँ तो अगर मुहूर्त निकल गया तो जो पहला बच्चा पैदा होगा वो अपने मामू जन को खा जाएगा। अरे मैं कोई मलाई कुल्फी हूँ जो पैदा होते ही मुझे खा जाएगा? देखिए, इसे मामू मुसीबत कहते हैं, आपकी जान को खतरा है। कौन है वो जो हमें मौत के मुँह में लेकर जाए? छोड़िए ना भाई जान, आप भी कहाँ इनसे लोचे हैं। ठीक है, लेकिन चांस भी तो नहीं ले सकते ना, अगर इनकी बात सच हो गई तो। तुम शरद को यहीं बुला लाओ, उन्हें ये सब बता दें क्या? अरे उसे ये सब बताएंगे तो वो सवालों का पहाड़ खड़ा कर देगा। तुम किसी भी बहाने उसे यहाँ बुला लो, बाकी सब हम देख लेंगे। अरे हमारी मौत की घंटी बजने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है, पता नहीं वो दफ्तर से निकला भी या नहीं। तुम क्या मेरी मैयत उठाने के लिए खड़े हो, निकलो यहाँ से। भाई शरद भाई इस तरफ आ रहे हैं। ये सब क्या है? आते ही सवाल शुरू कर दिया, तो मैं मालिक की कसम है, अब चाहे जो भी हो जाए आधे घंटे तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ ऊपर वाले की कसम दी है तुम्हें, अब हम तुम्हें बताते हैं। पंडित जी ने आपकी कुंडली देखी और कुछ बताया कि अगर तुम्हारी सगाई 30 मिनट में नहीं हुई तो आपकी जिंदगी में राहु केतु दाखिल हो जाएंगे और आपको जंगल का रुख करना पड़ेगा। जानते हो वो राहु कौन है? वो रघु रोकड़ा। उस 420 घटिया डुप्लीकेट से बचने के लिए ये एकदम से करना पड़ रहा है। अरे हम जानते हैं जीजा जी, आप परेशान हो रहे हैं, आपके घर वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम उनको बाद में बुलाकर सगाई कर लेंगे। अरे आपके हूं के चक्कर में मुबारक घड़ी निकल जाएगी। गुरु जी रसम शुरू कीजिए। कसम देकर उसका मुंह बंद कर दिया है, जल्दी सारी रसम अदा करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्व रेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब जब हम कहें तो वधू नमः कहना, श्री गणेशाय नमः। नहीं नमः बोलो, नमः। भाई साहब क्या दुल्हा गुंगा है? ये क्या मुसीबत हो गई, अगर दिल में नमः कहे तो? दिल में कहेगा तो कैसे, तो देर क्यों कर रहा है? चलेगा चलेगा। ओम श्री गणेशाय नमः, शुभ शाय नमः।
अब एक दूसरे को अंगूठिया पहनाइए। अरे शांति से इधर ला, खड़े रहो। अरे चलो शिवानी, ए शिवानी जल्दी से पहना दो। अरे वाह वाह, चलिए हो गया, अब आप इसे पहना दीजिए। अरे पहनाइए इसे, जल्दी 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 जल्दी। अरे वाह हो गया। अरे शिवानी, अगर इसने मुंह खोल दिया तो जंगल की आग की तरह खबर फैल जाएगी। इसे फिल्म दिखा के लाओ। ये तो बहुत ही पॉपुलर कलाकार है। पहले सीरियल में एक्टिंग करती थी, अब फिल्मों में करती है। डिस्टर्ब मत करो, फिल्म देखो ना। ओके। मेरा सूट देखकर वो मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक समझा। शादी वाले दिन खाना खिला के हमें मत तरखा देना, हमें अच्छी वाली साड़ी भी चाहिए। आप सिर्फ साड़ी मांग रही है और हम 10 साल से एक लड़की मांग रहे हैं। वो आप लोगों ने अभी तक तलाश की क्या? क्यों नहीं मिली थी क्या? वो मुंबई वाला रिश्ता, कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन आपने कहा गुंडों का खानदान है, ये पहली रात थाने में होगी, भाग गए वो। उन्होंने कहा था उन्हें समझदार लड़का चाहिए। तुम्हारे पास अकल कहाँ है? क्या कह रही हैं? समझदार नहीं होते तो शरद जैसा रिश्ता मिलता क्या? भाईजान, भाईजान। अरे ये फिर से टपक पड़ा, क्या बात है? शरद बाबू कुछ भूल गए थे जो लेने आए हैं? हम वापस कहाँ आए जी? हम तो अभी आए। अभी आए हैं तो हमारी बहन कहाँ है? आपकी बहन? हाँ, हमारी बहन। आपकी बहन ने कॉल किया तभी तो आए हैं। फिर वो जो आया था, डबल रोल वाला भाई रघु रोकड़ा, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा था, आपने ही कसम देकर मुंह बंद कर दिया। अगर हमें हमारी दक्षिणा मिल जाए तो हम चले। जरा हमारे साथ इधर आइए, हम अभी आते हैं। ठीक है भाईजान। अरे रे रे, पंडित जी सगाई गलत आदमी से हो गई है। अब तो इसका कोई उपाय नहीं है। ये नामुमकिन है। अगर दुल्हन मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे उसका भाई खड़ा हो सकता है, इसलिए अगर आप चाहें तो दूल्हे को अंगूठी पहना सकते हैं। अरे तो फिर वक्त क्यों बर्बाद करें, चलिए आइए। अरे शरद जी, तुम्हें इस वक्त हमसे सगाई करनी होगी। छी, अरे मैं आपको उस टाइप का लगता हूँ क्या? हमारे खानदान में रिवाज है कि सगाई साले के साथ होती है। कुंडली के मुताबिक अगर 3 मिनट के अंदर आपकी सगाई नहीं हुई तो आपको भी शादी के बाद जंगल में घूमना पड़ेगा, पूछे इनसे। बताइए पंडित जी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शिवानी कहाँ है? फिल्म देखने गई है। सगाई के वक्त फिल्म देखने गई है? अरे हमारी खानदानी रस्म है, सगाई के वक्त। पंडित जी आप शुरू करें। आप पहनाएंगे तो शादी आपसे करनी पड़ेगी। अरे ये सिर्फ एक रस्म है, आप पहनाइए जल्दी से। अरे भाईजान, भाईजान गलत है भाईजान, रुकिए। निकल चुके हैं, तो पीटे जाएंगे, नहीं बताएंगे तो भी पीटेंगे, चूल्हे में जाएंगे। मर्दों की सगाई, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अभी तो आगाज है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। भाई रघु रुकड़ा बहुत खतरनाक चीज है, बहन उसके साथ अकेली, हमें जल्दी चलना चाहिए। अच्छा शरद जी, माफी चाहते हैं, हमें किसी वीआईपी से मिलने जाना, इसलिए आप घर जाइए। वीआईपी से? राहु केतु से। हाय। कहाँ चले गए थे आप? कुछ जरूरी काम याद आ गया था, वो पूरा करने गया था। ए, कोई भी शिवानी से कुछ नहीं कहेगा। हे, कौन है बे? मैं हूँ। भाईजान आप यहाँ क्या करें? बाहर आ। हाँ? बाहर चल, बाहर। ओके। हम अभी आते हैं। फिर से क्यों? इधर तो आना, क्यों कमबख्त रखूं? वहां इतना कुछ हो गया और तुमसे मुंह तक नहीं खोला गया, और हमारी बहन से सगाई कर ली। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शरद नहीं रघु रोकड़ा? आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बात तो सही है इसकी, हमसे भूल हुई, हमने अपनी बहन की सगाई गलती से शरद की जगह तुमसे करवा दी। गलती से करवा दी? ये सब क्या मजाक है, चढ़ गई है क्या? चुप। हम सुबह सुबह कभी नहीं पीते हैं, पीता हूँ क्या? दरअसल बात यह है कि शरद और तुम दोनों हू बहू हो, इसलिए गलती हो गई। जब से आपकी बहन को अंगूठी पहनाई, वो हमारे दिल में बस गई है। दिल कोई किराए का मकान नहीं है, जब चाहा बदल लिया। हम खुद आपकी बहन को बता देते हैं, हम शरद नहीं है, रघु रोकड़ा है। देखो हमारी बात सुनो, अब जो होना था वो हो गया, इसमें ना तुम्हारा कसूर है ना ही छुटकी का। ये सब मेरी गलत फहमी और कसम की हरकतों की वजह से हुआ है। हम तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की की तलाश करेंगे। पहले खुद का बैंड बजाओ फिर हमारा बजाना। खैर वो छोड़ो, हमने 20% पर तुम्हें शहर दिया था ना, एक काम करो पूरा ही ले लो। देखो जान से मार डालेंगे, क्या कहते हो? एक बात याद रख, हमारे खानदान की रस्म के मुताबिक सगाई मतलब आधी शादी, अब रिश्ता तोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर बीच में कोई भी शरद वरद आया तो उसका पार्सल करके मैं तुम्हें भेज दूंगा, ये बात भेजे में घुसा ले। शिवानी का होने वाला शौर सिर्फ रघु रोकड़ा और कोई नहीं। ए, 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 भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? वो खाला जान है ना, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हें सगाई वाले रोज फिल्म देखने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, इसलिए हम खुद तुम्हें लेने के लिए आए हैं। आप भी कैसी बातों पर यकीन करते हैं? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अब घर चले जाएं। शरद चलो। तुम बात नहीं समझ रही हो शरद।
अरे शरद, कुछ कह रही है ना? माफ करना, चलो चलते हैं। शरद को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाएगा। सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, पूरा हाथ उठाते हैं। आज आप काफी टेंशन में लग रहे हैं सर। आप कोई धुन बना रहे हैं क्या? मंसूबा बना रहे हैं। कैसा मंसूबा? उस रघु रोकड़ा और ज्ञान से बदला लेने का। इतनी जल्दी थप्पड़ भूल गए क्या? अब आपके पास सुझाने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हें नहीं पता इंतकाम क्या होता है? इंतकाम के चक्कर में रोजगार चला जाएगा आपका। चुप करो। ज्वालामुखी से दिमाग उबल रहा है, हम धुन नहीं सोच पा रहे हैं। अरे आप कब से धुन सोचने लगे सर? इंटरनेट है ना, गूगल पर सर्च कीजिए। बस करो, ताने मार मार के गुस्सा ना दिला। आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। इंतकाम के दर्द को हम पहचान सकते हैं जनाब। हमारी पहचान के लोग इस शहर में हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। क्या मैं उन्हें इत्तला कर दूं? हम आप भी थी सुना के वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। एक को उड़ाने की कीमत जितनी बड़ी सुपारी उतनी कीमत। ये रहा। चलो चलो साइड हो जाओ। यहाँ कोई सेल लगी है क्या? कहिए क्या बात है। ये शरद है या रघु रोकड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। नाम क्या है इसका? किंग। किंग? आप उसे नहीं जानते हैं, पूरे शहर में उसका खौफ है। राजा चंद्र प्रताप वर्मा, हम उसे ढूंढ रहे हैं भाई। क्या बात है? साइड में आना एक मिनट के लिए। इतने नाजुक मामले में दखल क्यों दिया भाई? मैंने आपको जो नवाब खानदान की कहानी सुनाई थी ना, उसमें जुड़वा नहीं बल्कि तीन बच्चे पैदा हुए तो थे। खामोश रहेगा। एक है शरद बाबू, दूसरा रघु और तीसरा किंग। बिल्कुल सही। किंग के अलावा दो और लोग हैं, ये इनको पता नहीं है। हाँ। ये लोग शरद तक पहुँचे इससे पहले अगर हम रघु को इन तक पहुँचा दें। हाँ। तो अपना शरद महफूज और उस रघु का खेल। बिल्कुल सही। हाँ तो बात समझ गए, अगर हम किंग को आप तक पहुँचा दें तो हमें क्या मिलेगा भाई? ये 1,00,000 बोल रहा है, डील करने क्या बोलो? 1,00,00,000 देंगे। हा? अरे पैसे की बात छोड़े, आप लोग पहली बार हमारे पास काम लेकर आए हैं, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। काम हो जाए तो फोन करना, चल रहे। ए शिवानी, हमें तुम्हें एक दिल दहला देने वाला सच बताना है। बताइए भाईजान। अरे भूल से गलती हो गई और हमने रघु को शरद समझकर तुम्हारी मंगनी उसके साथ करा दी। हा? क्या? हाँ शिवानी, असल में उस रोज ऐसा हुआ ना कि मतलब अब हमें रघु से शादी करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, क्या तुम्हारे भाई जान तुम्हें बर्बादी के हवाले कर सकते हैं? लेकिन फिर उस पंडित ने इस गलती को सुधार दिया है। देखो तुम्हें किसी बात को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हम है ना। हाँ पर रघु का क्या करें? हमारे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। ए तुम सभी होश में रहना, लुढ़क मत जाना। शिवानी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। उधर देख तू आ रहा है, आ जाओ। हमें दरअसल हमने कुछ फैसला किया था, वही बताना था। चलो शिवानी जल्दी से बता दे। देखो रघु, गलती सही सही हमारी मंगनी तुमसे हो चुकी है। हाँ। तो अब शादी भी तुमसे ही होगी। अरे अब तुम शरद वरद छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। अच्छा हमारे यहाँ दस्तूर है कि मंगनी के बाद होने वाले बहनोई को दावत देते हैं। हाँ। हमें जल्दी लेकर आएगा? जल्दी करे, लाइए दीजिए। ये लीजिए, पीकर देखे होश उड़ जाएंगे। अरे ये अमृत है, असली अमृत। कुछ हुआ नहीं इसे? अरे दादू, आपका 5 करोड़ बोरे में आ गए। रखो रखो, जल्दी खोलो इसे। अरे जल्दी नहीं रुको, अरे जल्दी खोलो ना। इसे खोलने से पहले हम अपना बदला लेना चाहते हैं। क्यों बे, हम पे हाथ उठाया था ना, ये ले हाथ तेल। अब अरे पहले उसे खोले दो, फिर उसके बाद मारना। चलो खोलो, जल्दी खोलो। हमारा तो दम ही घुट जाता भाई। आप बोरे में कैसे आ गए? हमने कहा था कि होश में रहना, उसे बोरे में डालना है और तुमने हमें ही बोरे में डाल दिया। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। अभी हमें किसने मारा था? उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भाई।
इस कमीने ने मुझे मारा। हाँ। अबे कमीने तू आज जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भाई, अरे भाई, तेरा मैं सर फाड़ूंगा। मैंने सोचा कि आप भाग कर जाएगा। ये क्या तमाशा है? किंग कहाँ है? कमबख्त, हम सबको चूना लगा कर भाग गया। हम खुद उसे पकड़ कर लेकर आएंगे। चलो रे। ए, तुम यहाँ से तब जाओगे जब किंग यहाँ आएगा। ए, तुम ज्ञान को धमकी दे रहे हो। जब देखो गन की दुकान खोल लेते हो, दिमाग है भी या नहीं? अगर हमारा खेल खत्म कर दोगे तो तुम लोगों को किंग कैसे मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? हम बार बार नहीं बता सकते, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन रघु को पकड़ो। सुनो, तुम बेवकूफ की वजह से भाईजान बुरी तरह फंस गए हैं। हम रघु रोकड़ा को किसी न किसी तरह बातों में उलझा लेंगे, फिर तुम लोग मौका मिलते ही हमला कर देना। बस याद रहे कि ना खून बहे और ना ही मौत हो। जी बेहतर। उसे दो घंटों तक होश नहीं आना चाहिए बस। हमें वो टेक्निक नहीं आती, हम तो फटका मार देंगे फिर चाहे वो जिए या मरे। तुम्हें आता क्या है बेवकूफ कहीं का? वो आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी करो। अरे निकम्मो जल्दी करो। अच्छा जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी छुपो। हाँ, पार्सल निकालो, जल्दी करो। आ गया कमबख्त, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। एक मिनट भाईजान, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको पकड़ने की? अरे रे रे, यहाँ कोई इंसान होगा तो बात करोगी ना उससे। इन लोगों से हम बात करते हैं, तुम रुको। ए चश्मेश, ये लो किंग, अभी जो करना है कर, पर आदमी बहुत चैप्टर है। हाँ, बाद में कहना मत कि हमने बताया नहीं। ए सौंपते से। अच्छा हुआ ले गए, अब हमारा सर दर्द खत्म हो गया। भाईजान, ए जाकर उनसे पेमेंट लेकर आ, 2000 के नोट लेकर आना। ठीक है भाई। शिवानी जी, है? ये सब कौन है? हमें छोड़ दो। शिवानी जी, भाईजान, हम तो मंदिर में थे, यहाँ कैसे आए? अच्छा भाईजान, ये तो शरद लग रहा है। हमें दफ्तर जाना है, कहिए ना हमें छोड़ दे। दफ्तर जाने की बात कर रहा है, ये तो शरद ही है। अब हम क्या करें? अरे रे रे, रुकिए रुकिए। शिवानी जी, भाईजान, कुछ कीजिए। बंद कर, छोड़ बे, पहले के फटके भूल गए? कौन है यहाँ पर? आइए किंग, आइए आइए आइए। इन लोगों ने किंग का नाम लिया तो इन्हें मार मार कर सुला दिया, तुमने किंग का नाम लिया तो चीर डालेंगे। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, तुम किंग नहीं हो, लेकिन अगर हम तुम्हें किंग के जगह पहुंचा दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वो भी पूरी तरह से। तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए किंग बनना पड़ेगा। किस लिए किंग बनूं? 1 करोड़ रुपयों के लिए। बात पैसे की नहीं है, दिल की है, समझे? अगर आपका काम सही है तो जरूर सपोर्ट करूंगा। हम गलत काम करते ही नहीं, बीवी बच्चों से दूर जानवरों की तरह हम इन गुंडों के बीच कैसे जी रहे हैं अब तुम्हें क्या बताए। हमारे भांजे किंग का लिया हुआ कर्जा हमारे गले का फंदा बन चुका है। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं से असली किंग निकल आया तब क्या होगा? किंग नहीं आ सकता, कभी नहीं। पर क्यों नहीं आ सकता? वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? इतने दिनों से हमसे झूठ बोलते रहे कि हमारा कर्जा चुकाओगे, अब कह रहे हो कि किंग है ही नहीं। अरे दादू छोड़ो हमें, अगर आपको ये बात पता चल जाती तो क्या आप हमें छोड़ देते? अब रघु की मदद से आप लोगों का कर्जा चुकाने का मौका मिला है, इसलिए बता रहे हैं। आप सच बोल रहे? इसका क्या सबूत है आपके पास? गोपी, ये किंग की मौत का चश्मदीद गवाह है, बताओ इन्हें। डेथ सर्टिफिकेट और डेड बॉडी का फोटो। किंग की मौत के बाद हमें लगा हमारा खानदान खतरे में है, इसीलिए हमने ये बात अपने तक रखी। रघु बेटा, अगर आप मदद कर दें तो शायद हम कातिल तक पहुंच भी सकते हैं, प्लीज। आपका काम सही है, हमारा दिल राजी है, डील तय है। भाईजान, शिवानी जी, शरद, तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे? हम हर शनिवार को मंदिर जाते, बताया था ना, बस वहाँ पहुँचते ही किसी ने हमारे सर पर पीछे से मार दिया, जब आँख खुली तो यहाँ पर थे। अरे ये तो हमें भी पता है, अंदर क्या हुआ ये बताइए। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, उनसे हमने डील की है, अगर किंग की एक्टिंग करूंगा तो 1 करोड़ मिलेंगे। हम तो वाकई डर गए थे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है शरद। भाईजान चलिए उन्हें बता देते हैं कि ये रघु नहीं शरद है और इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। अब तुम भी शरद की तरह बात करने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उन्हें शरद रघु से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ किंग का डुप्लीकेट चाहिए। क्या करना होगा? वो लोग जैसा
बोल रहे हो तुम वैसा करते जाओ, हम लोग रघु को यहाँ लेकर आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो हम दफ्तर जाकर छुट्टी लेते हैं। अरे तुम ससुराल की दावत में आई हो क्या? वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों ना जाओ, हमने क्या किया? अरे समझा अपने मासूम रजा को। असल में मसला ये है कि देखिए बड़े भाई, वो रघु बहुत ही शातिर दिमाग है, वो दो दिन में सब कुछ साफ करके यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हमारी बहन उसकी कमजोरी है इसलिए वापस आएगा। तो बहन को भी साथ ले जाएंगे? हमारी बहन की भी कमजोरी है। अब वो क्या है? वो हमसे बहुत प्यार करती है, हमारे बिना कहीं नहीं जाएगी। हम पहले से ही परेशान हैं कि हम रघु को किंग बनाकर उसे उसके मुकाम तक कैसे पहुंचाएं, और तुम चाहते हो कि हम पूरा सर्कस वहां ले जाएं। अरे आप बेफिक्र रहें, हमारे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। आपके वालिद ने खुदकुशी की थी, उनकी रूह को इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई उनकी रूह को सुकून देना चाहती हैं तो हमारा मानना है कि सबसे बढ़कर आपको कुछ करना होगा, और वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ये 20 लाख का चेक आप आज ही जमा करा दीजिएगा। ठीक है मालकिन। सुनिए भाभी जान, हमने किंग को लगभग सभी रियासत में तलाश कर लिया है, बस 3 रियासत ही बची हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इन तीनों रियासत के अखबारों में उनकी तस्वीर छपवा देते हैं। इस काम के लिए लगभग 2 लाख का खर्च आएगा। हाँ तो छपवा दीजिए ना। ठीक है भाभी जान। साई राम जी। जी मालकिन। आप इसी वक्त इन्हें 2 लाख रुपए कैश दे दीजिए। इंसानों पर यकीन रखने से अच्छा है हम भगवान पर यकीन रखें भाभी जान। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि किंग के नाम पर रियासत के सारे धार्मिक जगहों पर गरीबों और यतीमों को अनाज बांटें। कैसा रहेगा? हाँ तो बंटवा दीजिए। करीब 10 लाख रुपए खर्च होंगे, ये कोई ज्यादा नहीं है। आपने तो हमारे मुँह की बात ही छीन ली है। उसकी जरूरत नहीं, और वैसे भी हमारे किंग की कोई कीमत नहीं। लोगों की दुआएं मिलेंगी भाभी जान, यकीन रखिए किंग जरूर वापस आ गए। आ गए। पापा। हे अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो? अपनी बीवी की नाक कटवाने के बाद या किस मुंह से वापस आए? हम वापस आए इसलिए परेशान हो कि किंग वापस नहीं आए इसके लिए परेशान हो। अब तुम लोग कुछ बताओगे कि नहीं? ए घुमा करके बातें मत करो, आप आए ना आए हमें क्या, लेकिन ये आंखें तो आज भी किंग के लिए रोती है। अब रोने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं काले जी। आ गया। अरे बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्या है बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, ना ही कुछ बोल सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? इनकी ये हालत अप्पा जी ने ही की होगी। आप इन पर इतना गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? किंग के साथ उत्तरांचल में हादसा हुआ था। हा? हमारा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर काले है और ये हमारी बहन शिवानी काले। नमस्ते। नई दवाओं के लिए जड़ी बूटी खोजते वक्त हमने किसी के करहाने की आवाज सुनी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि आपका बेटा मौत से लड़ रहा था। हमने कुदरती जड़ी बूटियों से आपके बेटे का कई महीनों तक इलाज किया, और फिर ये जनाब आए और इन्होंने पहचान कर हमें यहाँ लेकर आए। मैडम, किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम जंगलों में दिन रात भूखे प्यासे तब तक भटकते रहे जब तक हमें हमारा किंग नहीं मिल गया। भूख प्यास के बावजूद भी इनकी चर्बी जरा भी कम नहीं हुई। हम तुम्हारी तरह नंगे भूखे घराने से नहीं है डॉक्टर साहब, हमारा बेटा पहले की तरह नॉर्मल तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा मैडम, लेकिन उसके लिए आर्ट थेरेपी करनी पड़ेगी। आर्ट थेरेपी वो क्या होता है? एक तरह का इलाज, अंग्रेजी इलाज को एलोपैथी कहते हैं, जड़ी बूटी के इलाज को आयुर्वेद कहते हैं, उसी तरह कला के इलाज को आर्ट थेरेपी कहते हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, क्या इसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुक सकते हैं? जैसी आपकी मर्जी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। भाई साहब जी, आप प्लीज इनके रहने का इंतजाम कर दीजिए। जी बेहतर, आइए जी, जाइए जाइए। हाँ तो भाई गोपी मोहन, तुम्हारा कपटी छलिया दिमाग
और शर्मा जी की साजिश पर अमल करके हमें यहाँ से भगाया था ना, अब तुम्हारी बारी है। शुक्रिया अप्पा जी साहब, किंग बेटे को लाकर आपने इस महल के 12 लाख रुपए बचा लिए हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अब देखना पूरी फीचर फिल्म यहाँ कल से चलेगी। बताओ ये कौन है? माँ है। ये कौन है? बड़े पापा जी। क्या बात है, क्या बात है बेटा। अब बताओ ये कौन है? मजले पापा जी। बिल्कुल सही। और ये कौन है? छोटे पापा जी। मेरा बेटा। एक बार हम सबको यकीन दिला दें कि रघु ही किंग है, फिर आपका सारा कर्जा चुका देंगे। क्या आप हमें धमका रहे हैं? अब हमें कोई बात नहीं करनी। सुने अप्पा जी, हाँ बेटा, ये ड्रामा और नहीं कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे लंगड़े हो जाएंगे। एक तरफ भाईजान की सड़ी हुई पेंटिंग्स हैं और दूसरी तरफ बेसुरी शिवानी, हम तो पागल हो जाएंगे। खामोश रहो, रुको, हमारी बात तो सुनो। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे जिस्म की मालिश कर देंगे, क्या बोलते हो? आज आर्ट थेरेपी के सेशन का आखिरी पड़ाव है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और इलाज में किसी तरह की रुकावट ना आए, उसके लिए आंखें बंद करके सभी हमारे साथ कहें, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अब आंखें खोल लीजिए। आप कौन हैं? हम जय सूर्या, एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर। यहाँ हमारे बगैर जो थेरेपी चल रही है उसके हम एमबी हैं। क्यों, है ना? जी बिल्कुल मैडम, ये हमारे मास्टर जी हैं। अरे भाई काले, हमने क्या बताया और आप क्या कर रहे हैं? 600 लगाए बगैर 7वें पे कैसे पहुंच गए बेटा? पहले से शुरू किया था मास्टर। तो किन रागों का इस्तेमाल किया पहले वो बताएं। कल्याणी इस्तेमाल करेंगे तो पैर हिलेंगे, किरण इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ हिलेंगे। आपके लिए कौन सा राग इस्तेमाल करेंगे? अरे ये तो घूर रहा है। अधूरे इल्म की बदौलत तुम खास चीजों पर तवज्जो नहीं दे रहे हो। कौन सी चीजें मास्टर जी? स्पर्श, द टच। जब रोगी का जिस्म सुन्न हो जाता है तो 7वां सुर लगता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और 7वां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर तो बेकार तो हैं ही। हमें छूने से महसूस नहीं होता। नहीं होता। इसकी जांच करना हमारा काम है बेटा। ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? आप जरा पीछे हटेंगी? पता चला? आप भी पीछे हटिए, चलिए। ठीक है। पता चला? नहीं। कुछ पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आर्ट थेरेपी है। हाँ, चोट लग रही है, आप रो रहे हैं। रो नहीं रहे मास्टर जी, आपकी मेहनत और मोहब्बत देखकर आंखें भर आई मेरी। मास्टर जी ये कह रहे हैं ना, कुछ एहसास नहीं हो रहा, हम 7वां सुर गाते हैं। वक्त क्या है? 10:20। मनोज घड़ी है, जो काम मुबारक घड़ी में होना चाहिए, अगर उसे ना मुबारक वक्त में हुआ तो मरीज ठीक और इलाज करने वाला माजूर। तो करोगे? जल्दबाजी में ध्यान नहीं आ रहा मास्टर जी। में जल्दबाजी हरगिज नहीं करते, कल मुबारक घड़ी में इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ एक झलक थी बदले की आग की, कल देखना मौत का राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरी माँ, बाप रे बाप, कहाँ फंस गए रे? कमर ने टांग तोड़ दी, ढोल की तरह पीट पीट कर लंगड़ा कर दिया। ऐसे पीटा जैसे उसकी बेटी भगाई हो। जैसे मौका मिलेगा मार दूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा उस कमबख्त को, बदमाश कहीं का। शरद, आप रघु रोकड़ा जैसी बातें क्यों कर रहे हैं?
इतना पीटने के बाद मुझे दुआ याद नहीं आई। गुस्से में जब लोग होते तो ऐसे ही कहते हैं ना, इसलिए जबान फिसल गई। आप लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ पर चौके छक्के लग रहे हो, पैर पे स्कोरबोर्ड छप गया, जरा देखो तो। हम आपका दर्द समझते हैं भाईजान, से कहकर हम रघु की बारात निकलवा देंगे, पूरा जिस्म लाल करवा देंगे उसका, क्योंकि उसी की वजह से हम हमेशा फंसते हैं। बेशर्म नालायक बेहया। रघु रोकड़ा की जुबान बोलने लगी हो। असल में आपकी तकलीफ देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई ना, इसलिए कह दिया। इसी तरह खिदमत करती रहो। हमने कई बदले वाली फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, बदला लेने के बाद जो खुशी हासिल होती है उसका तो मजा ही कुछ और है। मजा आ गया ना, अब चलें। अरे अभी कहाँ हुआ, अभी तो ज्ञान बाकी है जिसने हमें धूप में खड़े करके हमारी पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद शिवानी भी तो है, उसने क्या किया? देखो किशोर, इतना काम छोड़ के भी हमारे यहाँ आने की वजह है सिर्फ और सिर्फ वो शिवानी। मास्टर जी। क्या है? वो आ गए। ओ ज्ञान, देखिए आप भी एक फनकार है, इसलिए आपको एक मौका देते हैं। अगर आप अपनी बहन हमें सौंप दें और हमसे माफी मांग लें तो ये मामला हम यहीं रफा दफा कर देंगे, कहिए क्या कहते हैं। क्या कहा हमारी बहन के बारे में? हम दिल से माफी मांगते हैं, हमें बख्श दीजिए जनाब। ए हाथ जोड़कर माफी मांगे। हाँ जी बेहतर है भाई। अरे जोड़ लीजिए मास्टर जी। हाँ जोड़ रहे हो या नहीं? अरे जोड़ रहे हैं सर, लेकिन उठ नहीं रहे। भाईजान इसने पैरों पर मारा था ना, फिर आपने इसके हाथ क्यों तोड़ा? आप चुप रहिए ना, बीच में कुछ मत बोलिए, सातवां सुर लगाने की जरूरत नहीं है। हम पर चिल्लाओगे, ऊंची आवाज में बात करोगे? भाईजान तोड़िए इसके पैर। क्या हो रहा है? इसे सजा दे रहे हैं। साले साहब आपने तो अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, कौन सी टेक्निक है? इसे काया कचोरी लॉक कहते हैं, ये लॉक संभल कर लगाना पड़ता है, अगर जरा से भी गलती की तो इंसान सीधा होगा। पर हम कोशिश करें। हाँ बिल्कुल करके देख लो। शुक्रिया भाई जान। ऐसा मत करना, दूसरा पैर आप ही उठा ले वरना ये तोड़ डालेगा। अरे दो चार मरीजों को मारने के बाद ही इंसान डॉक्टर बनता है। आप कहिए। लगे रहिए। गुड लैंडिंग। आप ऊपर गए तो नहीं? नहीं हूं। अरे ये तो जिंदा है, तुमने पहली बार में काया कचोरी लॉक सही लाया। सही कहा। क्या बात है। अरे भाई हम आप इसी हालत में छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हम जिंदगी भर के ऐसे ही रहेंगे? अगर जिंदगी में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब तक बिस्तर पर आराम फरमाइए। अरे भाई ये सब कैसे हो गया? वो ऐसा हुआ कि मुरारी चला हीरो बने और जीरो बनकर रह गया। तुम तो खुश हो ना? जिस तरह एक सपेरी की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह आर्ट के डॉक्टर आर्ट थेरेपी के ही शिकार हो गए। कल रात जब मास्टर जी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में ये किंग को ठीक करने के लिए सातवां सुर लगा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनकी छोड़िए और किंग को ठीक करने के लिए अपना ध्यान लगाइए। जी हाँ डॉक्टर साहब, वो मुबारक घड़ी आ गई है, आप थेरेपी शुरू करिए, हम डांस देखते हैं। कोशिश कीजिए। मेरी बात सुनो, एक पैर का ठीक होना और दूसरे पैर का खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो? माँ, भैया। अरे ये कैसे आ गया, अब इसे हम कैसे संभालें? ये कौन है? तुम्हारा छोटा भाई। ये हमारा भाई है, मतलब किंग का। जरा सोच समझ कर बात करना। हम सब संभाल लेंगे। बेटा। माँ। क्या बात है, बिना खबर किए ऐसे चले आए? हमें सबकी याद आ रही थी तो हम चले आए। भैया कहाँ है? ए छोटे। भैया कैसे? दोनों भाई भी कितना प्यार है। आपसे मिलकर खुशी हुई। तगड़े दादा, कैसी बनी है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये सब कौन है? तुम्हारे लंदन जाने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था। हम लोगों ने इसे ठीक इनका एक्सीडेंट हो गया था? आपने हमें बताया नहीं? हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। ये बताओ तुम अचानक कैसे आए? आपको एक सरप्राइज देने। हाँ
पूजा, ये हमारी माँ है। नमस्ते। और ये है भाई। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की कौन है? ये हमारी मोहब्बत है भैया। माँ, आपको एतराज ना हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं और तुम्हारे भाईजान तुम्हारी पसंद को कभी भी नहीं ठुकरा सकते। लक्ष्मी भाभी, आरती लेकर आओ, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आओ बेटा। बाबा, नकली किंग से हमारा कोई मतलब नहीं, बस उसके भाई को मारना है, फिर जितनी जल्दी हो सके किंग को चकमा देके हमें यहाँ से निकल जाना है। तो आप किसी और को ले लीजिए, मास्टर जी की तो बैंड बजी हुई है, अब वो क्या बजाएंगे भाई? अरे भाई किशोर, क्या है, हमें गोपी मोहन के पास ले चलें? कभी यहाँ ले चलो कभी वहाँ ले चलो, रिक्शा वाला समझ के रखा है क्या? वैसे उनसे क्या काम है आपको? हमारे पास ज्ञान और उसके गिरोह को खत्म करने का मंसूबा है। वॉक नहीं कर सकते, टॉक करने चले हैं। वॉक नहीं कर सकते तो क्या हुआ, टॉक करके तो बदला ले ही सकते हैं। आपको अपना मुंह भी तोड़वाना है क्या? अब हमारा मुंह टूटता है या उनका सर टूटता है ये खुद देख लेना। ठीक है, आप तो बड़े खुश होकर लौटे थे ना, अब वो लौट कर कैसे आ गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या मैं समझाने में मदद करूं? हाँ? हाँ? तो ये अप्पा जी कांच को हीरा बताकर हमें धोखा दे रहा है। अप्पा ने अकेले पूरी जायदाद हड़पने का प्लान बनाया है लगता है। ये लुंगी कसके डायलॉग मारने की बजाय उस रघु रोकड़ा से बात करो ना। ए रघु रोकड़ा, अप्पा जी के ड्रामे में किंग का रोल करके तुम हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो क्या? शराब पी के आए हो क्या? हमें किंग है। अगर तुम किंग हो तो हमें अपनी 10 साल की उम्र वाली वो बात बताओ जिसका इल्म सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। अभी फैसला हो जाएगा तुरंत यहीं पे। अच्छा ये बताओ, मेरी 7वीं सालगिरह पे तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था? अरे अकल के दुश्मनों, इससे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ, ये अपने आप मुंह खोल देगा, इसके गिरोह को अंदर करवाएंगे। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लाइट की जल रही है, बुझ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब हम 10 साल के थे तब आप लोगों ने चोरी करने के जुर्म में हमारे पैर पकड़कर हमसे माफी मांगी थी, हमें याद है। आपने पूछा था कि 7वीं सालगिरह पर पापा ने क्या तोहफा दिया था। ये तलवार। अरे भाग यहाँ से, अरे निकल ले। चलो मास्टर जी। जानते हैं क्यों दी थी? आप जैसे जानवरों को मौत के घाट उतारने क्यों मरवाया था आप लोगों ने हमें? बताओ क्यों मरवाया था हमें? मैं कुछ नहीं पता, असल में वो काम गोपी मोहन ने करवाया था। क्यों किया था बताओ? हम गुंडे बदमाश जरूर है लेकिन कातिल नहीं है। इन लोगों पर दहोश जमाने के लिए हमने झूठ बोला। शरद बाबू आप डल लग रहे हैं, रात को ठीक से सोए नहीं क्या? पता नहीं, ऐसा लग रहा है मानो दिल पर बोझ रखा हो, सुबह जब आंख खुली तो सर पकड़ लिया। ऐसे मामलों में ये सब चलता रहता है, घबराइए मत, आदत पड़ जाएगी। नाश्ता करें। अरे आइए फूफा जी, नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, हम बाद में नाश्ता करेंगे। अरे कह रहा हूँ तो आइए ना, जैसे आपकी मर्जी। एक घूट और उसका खेल खत्म। बड़े फूफा आप भी नाश्ता करिए। सुबह सुबह दादू का कॉल आया था, पैसे नहीं दिए तो वो हमें फाड़ खाएगा, किसी तरह भाभी जान से कहकर 1 करोड़ निकाल लो, उसके मुंह पर पैसे मारकर कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद करवा देंगे और तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अजय, आ जाओ। जूस।
गोपी अरे सुनो भाई जल्दी जाओ और पैसे लेकर आओ। आराम से आराम से जूस पी लो। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मर गया रे। राजा बेटा भैया क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो फिर से? बोलो बोलो बेटा क्या हो गया तुम्हें? बोलो क्या कर रहे हो? पूजा क्या हुआ? भैया माँ पूजा छोटे ये सब क्या हो रहा था? कोई मुझे कुछ बताएगा? कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी आर्ट थेरेपी के मरीज को साइड इफेक्ट हो जाता है, ये वैसा ही साइड इफेक्ट था। लेकिन इसकी ऐसी हाल है। देखिए आप घबराइए मत, ये थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप इन्हें लेकर जाइए। आओ बेटा। साहब जी क्या आपको पता है, रघु ने हमें कुर्सी से नीचे धकेल कर उस टेबल को एक झटके में उठा लिया, फिर उस लड़की का गला दबा दिया। क्या वो पागल हो गया है? नहीं ये सब उसने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आज रात हम आपको दिखाएंगे कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। आपको पीने के बाद नींद नहीं आती है, इसीलिए भूतों की कहानियां सुना सुना कर हम लोगों को परेशान करते रहते हो। अब कहाँ लेकर जा रहे हो? हमें भी यही लग रहा है। हाँ? देखोगे तो खुद जान जाओगे। कहाँ है भूत? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं अभी है। अभी हम लोग जिसे देख रहे हैं वो रख रोक रहा है। ये जो सामने बैठा हुआ है ये है रघु रोकड़ा, और इसके अंदर दाखिल हुई है किंग की रूह। क्या कहा? किंग की रूह? ये कैसे हो सकता है? अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी रूह भटक रही थी और वो अपने डुप्लीकेट रघु रोकड़ा के अंदर दाखिल हो गई। सुबह जब तुम सारे नाश्ता करने में लगे हुए थे तब हमारा ध्यान सिर्फ रघु रोकड़ा पर टिका हुआ था। पूजा के आते ही हमने उसकी आंखों में दहकते हुए अंगारे देखे थे। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल थी। लेकिन किंग अजय के मंगेतर से नाराज क्यों है? शायद इसे इंटरकास्ट शादी पसंद नहीं या फिर कोई और वजह होगी। हमने वहां तो सबको अच्छे से समझा दिया कि ये कैफियत इलाज का साइड इफेक्ट है। उसके बाद मैंने इंसानी रूहों पर लिखी सिगमंड फ्राइड की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा और तब हमें सारी बात समझ में आ गई। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। फिल्मों की कहानी भी असली जिंदगी से ही ली जाती है शिवानी। देखो वो रघु रोकड़ा पूरी तरह से किंग बन चुका है। बेचारा रघु, उसे पता भी नहीं कि किंग की रूह ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। तो साहब जी अब हम क्या करें? इस परेशानी का इलाज हमारे पास है। बहुत प्रेत चुड़ैल और बदरूहों की बुरी नजर से महफूज रखेगा। याद रखना जय को 1000 तपस्याओं का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए उसके ऊपर प्रभाव डालना इतना आसान नहीं होगा। रक्षा यंत्र। जब तक ये आपके बेटे के शरीर पर रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोते जागते इसे हर समय अपने शरीर पे बांध के रखना, ये रक्षा कवच है। इनकी कुंडली के मुताबिक खतरे के बाद इनकी शादी का वक्त आ चुका है, इसलिए जल्द से जल्द इनकी शादी की तैयारी कीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, हमें मुसीबत से बचाने आए हो तो फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? इस मुश्किल घड़ी में हम लड़की कहाँ तलाश करें? लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, वो यही मौजूद है। कौन हो सकती है? कौन है वो? शिवानी। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? जी ये फैसला तो हमारी बहन ही करेगी, तुम्हारी क्या राय है? आज हम बहुत खुश हैं भाई। क्या बात है भाभी जी? अब फौरन सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ, कर देंगे। एक अरसे के बाद हमारे इस महल में इतनी सारी खुशियां आई हैं। ख्याल रहे इस खुशी के मौके पर कोई कमी ना रहे।
नकली किंग हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। पूजा, उस नकली किंग से हम निपट लेंगे, लेकिन किंग का भाई अजय आज रात ही खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा बाबा, हम उस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है? अरे शरद बाबू, क्या बात है, आपने तो अकेले इन सब का बैट बजा दिया। शरद के बाजुओं में इतना दम नहीं है। इसका मतलब तुम? रघु रोकड़ा। रघु रोकड़ा? फिर हमारे शरद बाबू? हमारे आते ही खिसक लिया वो। क्यों रे, हमें बेवकूफ बनाकर शिवानी की शादी उससे करने की सोच रहे थे? अगर शिवानी की शादी तुमने हमसे नहीं करवाई तो आपका शरद इस दुनिया से टपक जाएगा। अरे शिवानी, उठो शिवानी, जल्दी उठो। क्या बात है भाईजान, कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी। अरे ख्वाब छोड़ो और हकीकत की दुनिया में आओ, यहाँ कितने झमेले हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? रघु रोकड़ा यहाँ आ गया और उसके डर से शरद बाबू यहाँ से भाग गए। तो क्या करेंगे? हमें बाकियों से नहीं, हमें सिर्फ शरद से मतलब है। हम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जी अभी तैयार होकर आती हूँ। यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें शादी रचानी है। सुनो बेटा, अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दादू हमें जिंदा जला देंगे। अब घूरना छोड़ो, जो ताबीज बंधवाया था वो है ना हाथ में। अम्मा, सॉरी अजय। क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो फिर से? छोड़ो हमें। क्यों मारना चाहती हो हमारे भाई को? कौन हो तुम? सच बताओ, बताओ कौन हो?
छोड़ो। बोलो। ए, भैया भैया छोड़िए, आप पागल हो गए हैं? छोड़ दो। ये हमारे खानदान को मिटाने आई है मेरे भाई। किसके भाई हो आप? आप किंग नहीं हो, आप रघु रोकड़ा हो, ये बात हमें पता है। नहीं, हम किंग हैं। किंग तो मर चुका है, हमने उसे मरवाया। आखिर क्यों? हमारे रास्ते से हटाने के लिए। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, सब हमें किंग का भाई कहते थे, और उनकी वजह से हमारी कोई भी पहचान नहीं रही। अगर हम जीते तो कहते कि किंग की जीत हुई है, जहां भी जाए बस किंग। इसलिए हम किंग बनना चाहते थे, तो मरवा दिया उन्हें। अब आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर किंग की जगह हासिल करना चाहते हैं? कितनी रकम चाहिए आपको? हम देंगे, बस यहां से दफा हो जाएं। जाओ। ए, आप लोग कौन है? हम लोग कौन है ये तुम्हें पता चल जाएगा। उससे पहले एक जरूरी बात बताता हूँ। किंग को मारने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई मार नहीं पाया, लेकिन तुमने मार दिया। तुमने किंग के भरोसे का गला घोटा है, उसकी मोहब्बत का गला दबाया है, लेकिन किंग को फिर भी नहीं मार सके। किंग को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं समझे? जिस भाई को उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही उसे मारना चाहता है। उस सच्चाई का बोझ लेकर ये देखो बैठा हुआ है किंग, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। आप झूठ बोल रहे हो, ये किंग नहीं, रघु रोकड़ा है। एक शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा इंसान लाखों में एक है। किंग के बॉडीगार्ड मुन्ना का असली नाम रघु रोकड़ा है, जो मेरा बेटा है। जब इन्हें पता चला कि लोग इनका कत्ल करना चाहते हैं, तो बड़े फूफा की मदद लेकर रघु रोकड़ा यहां किंग बनकर आया, ताकि कातिल का पता लगाया जा सके। जब पता चला कि कातिल तुम हो, तो किंग जीते जी जिंदा लाश बन गया। सर जी, ये पूजा और कोई नहीं, रामदीन चाचा की बेटी है, जो इस महल में काम किया करते थे। आपके खिलाफ कुछ न कर पाने की वजह से भगत सेठ ने पूजा को अपना मोहरा बनाकर अजय को अपने प्यार के जाल में फंसाने को कहा। चल बता। भगत सेठ ने मुझे मारने को कहा था। पूजा, हमारे खानदान की इज्जत बचाने की खातिर उस दिन हम तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे। जब हम तुम्हारे घर उनसे माफी मांगने के लिए पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तुम काफी छोटी थी, इसलिए हमने तुम्हें अपनी खाला जान के यहां भिजवाने का फैसला किया, और तुम्हें इस बात का एहसास ना हो इसलिए तुम्हारी परवरिश का इंतजाम कर दिया। लेकिन यह सब करके हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। तुम्हें हमें मारने का हक था, यकीन करो इससे अजय का कोई वास्ता नहीं। अजय, बाबा ने हमें किंग बनाया, लेकिन हमारे सर पर कोई ताज नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। हमने तुम्हें बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं पाला है, बाप की तरह पाला है। हमें लगा हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि तुम्हारी जरूरत क्या है। हमें पता था हमारी जान को खतरा है, और इसीलिए मां कभी चैन से सो नहीं पाई। भाई, अगर सपने में भी उन्हें पता चल जाता कि वो खतरा तुम पर आने वाला है, तो उनका कलेजा फट जाता, वो जीते जी मर जाती। भाई, हमें माफ कर दीजिए भैया। कैसे माफ कर दे पगले, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है। बाबा, हमने आपसे किया वादा निभाया, लेकिन हम सबको खुश नहीं रख सके। उसे पूरा करने का एक ही तरीका है कि हम यहां से दूर चले जाएं। हमें माफ कर देना बाबा, माफ कर देना। चलो निकल लेते हैं। Hmm.
बेटा आपा घर छोड़ के चली गई। मामा जी हाँ? उन्होंने कहा कोई तलाश करने की कोशिश ना करे। ये लो दौलत के कागजात जो तुम चाहते थे। आज से इस महल के किंग तुम ही हो। अपाजी भाई उन्होंने आप तीनों से एक बात कहने के लिए कहा है। अब तक जो पाबंदी आप पे लगी थी आपके मुसीबत के लिए नहीं बल्कि मुसीबत से बचाने के लिए लगी थी। आप तीनों उनकी नंदों का ख्याल अच्छे से रखे इसलिए ये सारी जायदाद आपके नाम कर गई है। वो ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हैरान है कि मेरे जैसे भुलक्कड़ ये सब कैसे याद रख सकता है। मुझे काम की बातें हमेशा याद रहती हैं। ग्लास टूटने की बात मैं भूल सकता हूँ लेकिन दिल टूटने की बात मैं नहीं भूल सकता। पता नहीं शरद बाबू कहाँ गायब हो गए हैं। जल्दी से हमें उनसे मिलवा दीजिए। अरे आप तो कुरियर सर्विस से भी फास्ट हैं शरद बाबू। हाँ अरे भाईजान आप गुड मॉर्निंग। अरे यार आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? ने मार मार के नानी याद दिला दी इसलिए नाना से मिलने गांव गए थे। आपकी बुजदिली ने आपको बचा लिया। कैसी बुजदिली? हम कैसे छोड़कर जाने वाले? केस कर देंगे उस पर। अब जो चला गया उस पर क्या केस करेंगे? कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। वो देखिए रघु रोकड़ा के वालिद अगर उन्हें अपने बेटे की मौत का पता लगा तो वो तो मर जाएंगे। आप बड़े रहम दिल हैं। आप उनसे रघु रोकड़ा बनकर मिल लिया करना उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अरे शरद आप तो गायब ही हो गए थे। पता है हम कितने परेशान हो गए थे। शिवानी हम सच बताना चाहते हैं। हम वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मतलब हम किंग हैं। गुड्डू पता है तुम जिंदा क्यों हो? ताकि भगत सेठ की हर नापाक मंसूबे की खबर मिलती रहे। सर 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 वो सपना बिल्कुल फ्रॉड है सर। उसका नाम सारी डिटेल सब जाली हैं। फिर तुमने उसे अपनी कंपनी में अपॉइंट क्यों किया? आपकी सिफारिश देखकर सर। हमने ये ब्लैंक लेटर हेड दस्तखत करके अपने सेफ में रख दिए थे ताकि हम ना हो तो काम आ जाएं। मतलब घर का ही कोई। आप पे हमला भगत सिंह सेठ ने करवाया था। और जिस लड़की ने आप पे गोली चलाई उसे मानो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। भगत सिंह सेठ के पास आपके हर एक प्रोग्राम की डिटेल्स है। उत्तरांचल ट्रिप की भी। शायद कोई घर का बंदा ही उनके साथ मिला हुआ है। थैंक्स गिटू। मुन्ना हमारी बात ध्यान से सुन। फिर हमने मुन्ना के साथ ये नाटक शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। देखो तुम्हें एक काम करना है। कुछ दिनों के लिए इस महल में तुम्हें किंग बनकर रहना है। वहां पता चला कि बाकी दो फूफाओं का हाथ भी इस साजिश में शामिल था। हमारे भाई को जो भी चाहिए था उसे देने हम अपनी मौत का झूठा नाटक करके यहां पर चले आए। सर बोल गिड्डू क्या खबर है? भगत सेठ ने आपके भाई की गाड़ी में बॉम्ब रखने को कहा है। फिर तुमने क्या किया? उन्हीं की गाड़ी में फिट कर दिया सर। भगत सेठ गिड्डू वो काम हो गया? भगत सेठ हमने आपसे कहा था आपका हाथ हमारे खानदान पर उठा तो आप इस दुनिया से उठ जाओगे। कौन बोल रहा है? किंग। असल में बात यह है कि अरे शिवानी तुम दो दिनों से शरद के लिए परेशान थी इसलिए गुड न्यूज नहीं बताई। कैसी गुड न्यूज? वो क्या है ना कि हम मास्टर जी की बहन से बहुत प्यार करते हैं। पता है। फिर तो ये भी पता होगा कि उन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था। वो भी पता है। उस इम्तिहान में मास्टर जी ने हमें पूरे नंबर देकर पास कर दिया। सच भाईजान? इतना खुश मत हो। बेइज्जती से बचाने के लिए मैंने दिल पे पत्थर रखकर इन्हें बड़ी मुश्किल से पास किया है। खामोश। हम बात कर रहे हैं ना मास्टर जी। देखिए हम चाहते हैं कि लगे हाथ हमारी भी शादी हो जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है सारे साहब। सिंगल खर्च डबल शादी। यानी कि शिवानी की शादी रघु रोकड़ा के साथ। ये तो अजब प्रेम कहानी हो गई भाई। ये अब तो बैंड बजेगा भाई। आपको रघु रोकड़ा समझ रहे? हमने कहा था पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब हम इनकी शादी पहली मुबारक घड़ी में कर देंगे। सुनो बेटा हम बहू के लिए गहने लेने जा रहे हैं। जी बेहतर। दुल्हा भाई हाँ? ये बेचारी तो आपको सच में किंग समझ रही है। हाँ कितनी मासूम है ना। ए शरद लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको नहीं उसे। कौन है? नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या कैसा है? या कैसे? हम तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे। शरद जी कहिए सर। तुम्हें नहीं मुझे बुला रहे। जी कहिए। अपने दोस्त को भी शादी की दावत दे दो। शादी में आओगे तो बहुत मार खाओगे। हमारे दादाजी कहते थे हम किसी काम के नहीं है। लेकिन चलो हम तो आपके काम आ गए। मुबारक हो शरद बाबू। आज से आपको तीन तीन किरदार अदा करने पड़ेंगे और सभी को खुश रखना पड़ेगा। ये सब कैसे करोगे? इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े चैंपियन हैं ये। कोई चौथे किरदार में आ गया तो